हेलो हेलो वन टू फोर वन टू फोर हेलो हेलो वन टू फोर वन टू फोर हेलो 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 वन टू फोर वन टू फोर मतलब वन टू थ्री फोर पर बोलते हैं वन टू फोर है चेक करने के लिए हेलो हेलो वन टू फोर वन टू फोर हेलो 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 डन हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया मैं भी यहां पे मौज में सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ आ, दो चैप्टर करवाए थे आज हमने एक हमने करवाया रिसीवेबल मैनेजमेंट और दूसरा वर्किंग कैपिटल कितने बच्चे क्वेश्चन भी करके आ गए हैं इसके जल्दी से बताइए कितने बच्चे क्वेश्चन करके आ गए हैं हाँ जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग हेलो सर हेलो हेलो सानिया निखिल रोहित सौरभ चिराग फ्यूचर सी ए सी एस सी एम ए विशाल राज और आई ए फाइंड हाँ जी सौरभ ने कर लिए हैं प्रथम ने कर लिए हैं और लक्ष्य ने कर लिए हैं के आर ने कर लिए हैं अनूप ने कर लिए हैं एक चैप्टर के तिवारी ने वर्किंग कैपिटल कर लिया है और जी वीरेश ने अभी गुड इवनिंग कर रहे हो तो गुड इवनिंग ऋतिक ने कर लिए हैं सर आज सुबह से ट्रेवल कर रहा हूं इसलिए सुबह से क्लास नहीं हो पाया okay. और वनीषा ने कैपिटल बस्टिंग कर लिया है परशु ने वर्किंग कैपिटल कर लिया है भूमि ने कर लिया है और जी और जी मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कर लिया है बहुत ही बढ़िया बहुत सही चल रहे हैं आप लोग एक बच्चा कह रहा है कि सर इट इज टू स्किप कैपिटल बस्टिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेटा ये तो आपकी मर्जी है एग्जाम में दस नंबर का आएगा आपका अपनी बिल है हम तो कुछ ही छोड़ने के लिए बोलते ही नहीं हरिओम ने कैलकुलेटर पे कर लिया है और विपिन ने दोनों कर लिए हैं डब्लू सीडन डब्लू डन दिव्यम और आरुषिका और इसके बाद में एक कह रहे हैं कि एक डाउट है जो इफेक्टिव कॉस्ट फैक्टरिंग में निकालते हैं उसमें नेट बेनिफिट लेते हैं डिनोमिनेटर में या टोटल कॉस्ट लेते हैं नेट कॉस्ट लेते हैं बेटा इफेक्ट इफेक्टिव कॉस्ट लेते हैं इफेक्टिव कॉस्ट लेते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एडवांस लेते हैं वर्किंग कैपिटल डन और कैलकुलेटर करके दीदी बीबीक्यू के डेज कैलकुलेट करके बता दो सर जी और इसके बाद में परमजीत का हो गया है मेरा अब तक सब कुछ हो गया है आज मॉर्निंग का विशाल पूरी एफ -पूरी एम ई खत्म हो जाएगी इतना बेहतरीन रिविजन जिसमें कंसेप्ट भी याद हो जाए क्वेश्चन भी हो जाए कौन से क्वेश्चन करने उसकी टेंशन ही खत्म मतलब इससे बेहतरीन रिविजन नहीं हो सकता आप ये सोच के चलो कि हम

मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल खत्म वर्किंग कैपिटल खत्म आज हम रेशो कैपिटल बेस्टिंग कर चुके हैं और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन दोनों को हम खत्म करने वाले हैं फिर कल हमारे पास ईबीआईटी सीबीआई लीवरेज दोनों छोटे छोटे हैं कैश मैनेजमेंट छोटा है कैपिटल स्ट्रक्चर छोटा है डिविडेंट डिसीजन छोटा है कल ये छोटे वाले पांचों चैप्टर खत्म करेंगे और दी एंड हो जाएगा हमने पहले ही बड़े बड़े चैप्टर को सबको उठा लिया है रेशो ठीक ठाक चैप्टर है बहुत आसान है कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी ठीक ठाक चैप्टर है बहुत आसान है तो बड़े बड़े सारे चैप्टर हो गए हैं छोटे छोटे चल रहे हैं और कल बिल्कुल छोटे छोटे वाले भी खत्म हो जाएंगे ठीक है अब हम लोग जरा चलते हैं रेशो एनालिसिस की तरफ रेशो से स्टार्ट करेंगे हम लोग आ, तो मैं चैट को कर रहा हूं बंद फिर जब हमारा रेशो खत्म हो जाएगा या बीच में कोई पॉइंट आएगा तब चैट को स्टार्ट करेंगे आ जाइए बहुत सही चल रहे हैं आप लोग देखिएगा रेशो एनालिसिस रेशो बच्चे ना इलेवेंथ ट्वेल्थ में भी पढ़ते हैं उसके बाद भी पढ़ते हैं और बच्चे फसते कहा तो हुए हैं जैसे डेट इक्विटी रेशो है तो डेट इक्विटी रेशो में उन्होंने कहा हुआ है आप लॉन्ग टर्म डेट भी ले सकते हो आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टोटल डेट भी ले सकते हो आप टोटल लाइफली भी ले सकते हो तो बच्चा ना कंफ्यूज हो जाता है कि यार वैसे ही इतने सारे रेशो है और उसमें तीन तीन चार चार फॉर्मुले में याद करके जाऊं तो मैं आपको बता दूं रेशो में आपको फॉर्मूले याद करने की कोई जरूरत नहीं है रेशो समझने की चीज है कि भाई रेशो का मतलब है दो वेरिएबल्स का रिलेशन और उनके रिलेशन को आपको परसेंटेज में या टाइम्स में या फ्रैक्शन में जैसे ग्रोस प्रॉफिट ट्वेंटी परसेंट भी बोल सकते हो आप ग्रोस प्रॉफिट सेल का वन बाई भी बोल सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट भी बोल सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट आप से भी बोल सकते हो तो किसी भी तरीके से आप बोल सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट को आप भी बोल सकते हो अगर मान लीजिए आपके पास में ट्वेंटी परसेंट आ रहा है तो इसको लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं तो सबसे पहली चीज ये कि हम रेशो को परसेंटेज में फ्रैक्शन में किसी भी तरीके से लिख के आते हैं एग्जाम में आपको पूरे नंबर मिलते हैं एक पॉइंट ये याद रखेगा यानी आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि कोई चीज परसेंटेज में ही लिखें या कोई चीज टाइम्स में ही लिखे ऐसा कुछ नहीं है आप किसी भी तरीके से लिखकर आते हैं आईसीआई है, क्लियर नहीं है, है इनका रिलेशन क्या है और जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसमें वो रेशो आपसे पूछते ही नहीं है वो तो रेशो आपको खुद बताते हैं तो रेशो आपको खुद बताया जाएगा एग्जाम में और आपसे बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनवाया जाएगा सीधा फिक्स है या तो इनकम स्टेटमेंट या तो बैलेंस शीट या फिर दोनों बनवाएंगे एग्जाम में आपसे आपको रेशो किसी भी हालत में नहीं पूछे जाते सीधे रेशो दिए जाते हैं तो रेशो हमें दिए जाएंगे आपको रेशो का मतलब पता होना चाहिए और बिल्कुल क्वेश्चन खटाखट चलता चला जाएगा तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेशो कितने टाइप के होते हैं तो रेशो है हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी एक्टिविटी लिक्विडिटी और लीवरेज रेशो या फिर लॉन्ग टर्म सोलवेंसी रेशो इसके अंदर जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है प्रॉफिट से रिलेशन बहुत सारी चीजों से दिया गया है सेल से लिंक किया गया है इन्वेस्टमेंट और एसेट से लिंक किया गया है ओनर्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है उसके बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी बेसिसबिलिटी रेशो और एमपीएस के बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी रेशो गए हैं उसके बाद एक्टिविटी रेशो सिंपल है लिक्विडिटी सिंपल है फिर लीवरेज रेशो के अंदर दो आ जाते हैं एक कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड रेशो और एक कवरेज रेशो आराम से पहले रेशो देखते हैं फिर क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके का आता है आप जब रेशो पढ़ेंगे बस आराम से समझना कि ठीक है इस चीज का इस चीज से लिंक है ओके इसको रटने की जरूरत नहीं है कोई नीड ही नहीं है इसकी तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशो को लिंक किया जाता है सेल से तो सबसे पहला रेशो रेशोस प्रॉफिट रेशो तो यानी सेल का कितना हिस्सा ग्रॉस प्रॉफिट में आता है तो जीपी बाई सेल नेट प्रॉफिट रेशो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स हो सकता है बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट को बोलते हैं ईबीटी या पीबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स वाले को बोलते हैं ईएटी तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स हो सकता है तो आफ्टर टैक्स है तो ई ए टी बाई सेल्स बिफोर टैक्स है तो ई बी टी बाई सेल्स ले लेंगे या फिर आप लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स इसके बाद आता है हमारे पास ऑपरेटिंग रेशो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट पता होनी चाहिए ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है सी ओ जी एस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसिजरेटिंग एक्सपेंसिज के अंदर एडमिन एंड सेलिंग आ जाते हैं एडमिन सेलिंग एक्सपेंस को ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं तो सीओजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस इन दोनों को जोड़ दोगे तो हमारे ऑपरेटिंग तो प्रॉफिट को हम ईबीआईटी भी बोलते हैं तो सेल में से आप सीओजीएस माइनस कर दीजिए एडमिन सेलिंग माइनस कर दीजिए आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा

तो इसका मतलब हमें ऊपर ऑपरेटिंग कॉस्ट लेनी है सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनको सेल से लिंक करेंगे तो ऑपरेटिंग नाम से हमारे पास तीन रेशो हैं एक है हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो दूसरा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो और तीसरा है ऑपरेटिंग रेशो सिर्फ ऑपरेटिंग रेशो लिखा है तो इसका मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट पूछ रहा है फिर हमारे पास आता है फाइनेंशियल एक्सपेंस रेशो ये थ्योरी में पूछा जाता है इसके अंदर फाइनेंशियल एक्सपेंसिव डिवाइड बाई सेल्स ले लेते हैं फाइनेंशियल एक्सपेंसिज क्या होते हैं वो क्वेश्चन खुद बताएगा आपको कि फाइनेंशियल एक्सपेंसि है इसकी कोई क्लैरिफिकेशन स्टडीमेट के अंदर नहीं है ओके तो हमारे पास सेल से रिलेटेड प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बड़ा सिंपल है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जीबी बाई सेल सीओजीएस रेशो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाई सेल नेट प्रॉफिट रेशो बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स जैसे भी बोले डिवाइड बाई सेल इसके बाद एक्सपेंस के अंदर आपके पास में ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाई सेल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो ऑपरेटिंग कॉस्ट बाई सेल और फाइनेंशियल एक्सपेंस रेशो फाइनेंशियल एक्सपेंस बाई सेल फाइनेंशियल एक्सपेंस रेशो आपको न्यूमेरिकल्स में नहीं मिलेगा थ्योरी में कभी कभार पूछा जा सकता है इसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशो को लिंक किया गया इन्वेस्टमेंट और एसेट से तो हमारे पास एसेट्स बहुत सारी होती हैं हमारे पास एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स करंट एसेट्स टोटल एसेट्स अलग अलग तरीके के एसेट्स हो सकती हैं तो इन्होंने इसके अंदर तीन फॉर्मूले दिए हैं

वो आप ई बी आई टी वन माइनस टैक्स भी ले सकते हो आप EAT भी ले सकते हो आप ई प्लस इंटरेस्ट भी ले सकते हो तो भैया एग्जाम में कौन सा लेंगे इसका मतलब आप एग्जाम में तीनों में से कुछ भी ले सकते हो प्रीफर्ड हमारे पास फॉर्मूला नंबर वन है तो क्वेश्चन कुछ ना बोले तो हम एक ही फॉर्मूला याद करके जाएंगे जहां भी दो तीन फॉर्मूले मैं एक के आगे प्रीफर्ड लिखूंगा वही याद करके जाएंगे तो प्रीफर्ड है ई बी आई टी वन माइनस टैक्स को रखिए और डिनोमिनेटर में आप एसेट रख लीजिए दूसरा अगर एक बैलेंस शीट की फिगर हो रेशो के अंदर और एक फिगर पी एंड एल की हो जैसे अगर मैं ऊपर जाता हूं तो यहां पर ये प्रॉफिट प्रॉफिट डिवाइड सेल है भी पी एंड एल की फिगर है सेल भी पी एंड एल की फिगर है ठीक है जी दोनों पी एंड एल की फिगर है कोई दिक्कत नहीं अच्छा अगर मैं करंट रेशो की बात करूं करंट एसेट्स डिवाइड बाई करंट लाइवी ये भी बैलेंस शीट की फिगर है करंट लाइवी भी बैलेंस शीट की फिगर है तो कोई दिक्कत नहीं है ओके okay रिपोर्ट है लेकिन रिटर्न ऑन एसेट और इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर मैं की हो तो बैलेंस शीट वाली फिगर अगर हो पाए पॉसिबल हो तो एवरेज बेसिस पे लेनी चाहिए तो जनरली आपको एग्जाम में एवरेज का बेस मिल नहीं पाएगा लेकिन एक रूल होता है कि एवरेज बेसिस पे लेनी चाहिए तो जितने भी मोस्टली क्वेश्चन है वो

पी एंड एल का आपके पास कोई डेबिट बैलेंस है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या फिर आपके पास अंडर राइटिंग कमीशन और आपके इशू एक्सपेंस है शेयर्स के जो अभी तक आपने राइट ऑफ नहीं किए तो ये फिक्टिशियस एसेट होती है क्वेश्चन लिख के दे देगा फिक्टिशियस एसेट उसे हम टोटल एसेट्स में से हटा देंगे वैसे न्यूमेरिकल्स में ये देखने के लिए नहीं मिलता पर मेरे को पॉइंट बताते हुए चलना है आपको इसके बाद में दूसरा आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के तीन फॉर्मूले हैं एक है पूरी की पूरी कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर रिटर्न दूसरा है शेयर होल्डर फंड पे रिटर्न तीसरा है इक्विटी फंड पे रिटर्न तो सबसे पहला आता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आर ओ सी कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर बात करेगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है हमारा पूरा लॉन्ग टर्म का पैसा तो पूरा लॉन्ग टर्म का पैसे की बात कर रहा है तो उसके ऊपर प्रॉफिट भी कंप्लीट लेंगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहा है तो कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी फंड प्लस प्रिफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डेट ये तीनों होते हैं तो हम पूरा का पूरा पैसा लेंगे ईबीआईटी तो ये बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स निकाला जाता है ईबीआईटी या ईबीआईटी वन माइनस टैक्स डिवाइडेड बाई एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड डिनोमिनेटर में कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी तो अगर बिफोर टैक्स है तो ईबीआईटी आफ्टर टैक्स है ईबीआईटी वन माइनस टैक्स कर लीजिए डिनोमिनेटर में कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी दूसरा आता है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड अब शेयर होल्डर फंड की बात करूं तो शेयर होल्डर फंड में इक्विटी फंड और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल आते हैं तो अब हमारे पास डेट इसके अंदर नहीं है तो डेट नहीं है तो डेट अपना इंटरेस्ट लेके चले गए डेट की पेमेंट होती है इंटरेस्ट ये देखिए डेट की पेमेंट होती है इंटरेस्ट प्रीफरेंस शेयर को पेमेंट होती है पीडी इक्विटी शेयर होल्डर को जो भी बचा हुआ होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस पीडी वो सारा का सारा मिल जाता है ठीक है तो अगर कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं तो सारी की सारी कमाई यानी ईबीआईटी लेके ठीक है अगर रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड की बात आती है तो शेयर होल्डर्स को मिलेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स तो अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई शेयर होल्डर फंड ले लेंगे और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात आती है तो इक्विटी को मिलेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स में से पीडी माइनस करके तो अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस पीडी डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स को हम ले लेंगे तो हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में तीन चीजें रहेंगी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड रिटर्न ऑन इक्विटी तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर आप लोग पूरा प्रॉफिट लेंगे ईबीआईटी डिवाइड बाई एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आप शेयर होल्डर फंड में ई लेंगे और रिटर्न ऑन इक्विटी में आप ई एटी माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड लेंगे ठीक है इसके बाद में हमारे पास आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस फ्रॉम ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या क्या रेशो निकालेंगे तो ओनर्स के लिए मैं बता दू कंपनी के जो ओनर होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर और प्रीफरेंस शेयर होल्डर दोनों ही ओनर होते हैं ओनर जो होते हैं वो दोनों के दोनों है इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों कंपनी के मालिक हैं दोनों कैपिटल को लगाते हैं और दोनों कंपनी के मालिक हैं बस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स पेमेंट मिलती है फिक्स डिविडेंड और उनको प्रायोरिटी मिलती है पेमेंट के अंदर लेकिन अगर मैं रेशो की बात करता हूं तो रेशो में प्रिफ्रेंस शेयर होल्डर कुछ नहीं जानना चाहते पूछे क्यों प्रिफरेंस शेयर होल्डर को तो पहले से ही पता होता है मान लो फिफ्टीन परसेंट प्रीफरेंस शेयर होल्डर है तो उनको पहले से ही पता होता है कि हमें तो पंद्रह परसेंट रिटर्न मिलनी है तो वो क्या रेशो निकालेंगे उन्हें हर साल पंद्रह परसेंट मिलता रहेगा अपनी कैपिटल पर और बात खत्म तो उन्हें कोई रेशो नहीं निकालना रेशो निकालते हैं इक्विटी शेयर होल्डर वो चेक करते हैं ईपीएस कितना है डीपीएस कितना है कितनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट करी कितनी इनकम बिजनेस में रिटेन कर ली एजीएम में ये भी फाइनल होता है कि, कि कितना पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को रेशो निकालने होते हैं तो यहां पर ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से रेशो पूछे गए हैं तो वो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर रेसो निकालेंगे प्रीफरेंस को किसी रेशो की कोई नीड नहीं है उसे पता है मुझे पंद्रह परसेंट मिलना है तो पंद्रह परसेंट ही मिलेगा तो यहां पर अर्निंग पर शेयर डिविडेंड पर शेयर डिविडेंड पे आउट और अर्निंग रिटेंशन चार रेशो निकाले जाते हैं अर्निंग पर शेयर के अंदर इक्विटी की अर्निंग ई एटी माइनस पीटी डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर डिविडेंड पर शेयर के अंदर इक्विटी डिविडेंड डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर डिविडेंड पे आउट में आपने ईपीएस का कितना हिस्सा पे किया तो डीपीएस डिवाइडेड ईपीएस डिविडेंड डिवाइडेड बाई अर्निंग और अर्निंग रिटेंशन में आपने कितना रिटेन किया मान लो आपने आपनेट पे कर दिया तो फोर्टी परसेंट आप रिटेन कर लोगे इसके बाद आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस या फिर कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट तो कैपिटल मार्केट बोलते हैं बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज को तो स्टॉक एक्सचेंज से यहां पर लिंक दिया गया है कि शेयर का प्राइस क्या चल रहा है देखिए शेयर की एक होती है फेस वैल्यू यानी कि पार वैल्यू दिखने में कितने रुपए का है जैसे दस रुपए का शेयर है फिर एक आती है बुक वैल्यू बुक वैल्यू का मतलब होता है बैलेंस शीट में उसके कितने हैं तो जैसे शेयर की शेयर भी है प्लस रिजर्व है प्लस है कोई प्रॉफिट वगैरह पड़ा हुआ है तो कोई सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह वो माइनस जो एसेट होती तो है वो यहां से माइनस हो जाती है कोई भी लॉस है तो मान लीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल है एक लाख रुपए दस हजार शेयर और दस रुपए का एक है ठीक है जी रिजर्व है पचास हजार के सरप्लस पड़े हुए हैं बीस हजार के एसेट है की तो इनका फंड हो गया एक लाख साठ हजार रुपए का फंड है नंबर ऑफ शेयर है तो एक शेयर की बुक वैल्यू सोलह रुपए हो गई तो पार वैल्यू है यानी कि दस रुपए फेस वैल्यू दूसरी होती है बुक वैल्यू बुक वैल्यू यानी बैलेंस शीट के अंदर आप कितने का नजर आ रहे हो तीसरी होती है मार्केट वैल्यू मार्केट वैल्यू होती है मार्केट में शेयर कितने का बिक रहा है स्टॉक एक्सचेंज पे कितने बिक रहा है तो मार्केट वैल्यू मान लीजिए बीस रुपए तो ये तीन वैल्यू इक्विटी शेयर की दिखाई देती है एक फेस वैल्यू एक बुक वैल्यू और एक मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू यानी उसकी पार वैल्यू कितनी है बुक वैल्यू यानी बैलेंस शीट में उसका फंड जो है वो पर शेयर कितना आ रहा है और मार्केट वैल्यू यानी वो शेयर मार्केट में कितने रुपए में बिक रहा है तो यहां पर अब मार्केट वैल्यू के बेसिस पे कुछ रेशो निकलते हैं इसमें सबसे पहला रेशो है प्राइस अर्निंग रेशो तो प्राइस अर्निंग रेशो नाम से ही क्लियर है प्राइस यानी एमपीएस अर्निंग यानी ईपीएस तो एमपीएस डिवाइडेड बाई ईपीएस ये पी आपके पास आ गया फिर है डिविडेंड यील्ड अर्निंग यील्ड डिविडेंड यील्ड है कितना डिविडेंड दिया है मार्केट प्राइस के बदले अर्निंग यील्ड है कितना ईपीएस दिया है मार्केट प्राइस के बदले फिर आता है मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू का क्या रेशो है तो मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइड बाई बुक वैल्यू पर शेयर ये बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए अगर बुक्स में सोलह रुपए का दिख रहा है बाजार में बीस रुपए का बिक रहा है तो अच्छी चीज है बाजार में जितना महंगा बिकेगा उतनी अच्छी बात होगी और उसके बाद में आता है क्यू रेशो क्यू रेशो आज तक कभी नहीं पूछा गया थ्योरी में भी नहीं पूछा गया कभी पूछा जा सकता है क्यू रेशो के अंदर रहता है कि मार्केट वैल्यू इक्विटी और लाइबिलिटीज की कितनी है यानी लाइबिलिटी साइड की आपकी पूरी मार्केट वैल्यू कितनी है और एसेट साइड की रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है सारी, -सारी की सारी एसेट्स की रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी आएगी ये हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशो सारे के सारे रहेंगे एक बार जरा देखते हैं और ये देखिए याद कुछ नहीं करना रट्टे कोई नहीं मारने अभी जब पोर्शंस पे चलेंगे तो आपको पता चलेगा रटने का कोई फायदा नहीं है तो सबसे पहले से सेल से रिलेटेड है जीपी बाय सेल नेट प्रॉफिट बाय सेल्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय सेल सीओजीएस बाय सेल ऑपरेटिंग एक्सपेंस बाय सेल ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय सेल फाइनेंशियल एक्सपेंस बाय सेल्स ठीक है फिर है इन्वेस्टमेंट और एसेट्स के ऊपर तो एसेट के लिए ईबीआईटी वन माइनस टैक्स डिवाइडेड बाई जिस भी एसेट पे आपको रिटर्न जाननी है उसका टोटल एसेट फिक्स्ड एसेट करंट एसेट वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में तीन तरीके के इन्वेस्टमेंट इन्होंने माने हैं सबसे पहला इन्वेस्टमेंट है ओवरऑल कैपिटल एम्प्लॉयड तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड आफ्टर टैक्स चाहिए तो वन टी लगा दीजिए शेयर होल्डर्स के लिए ईएटी डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड और इक्विटी के लिए ईएटी माइनस पीडी डिवाइड इक्विटी फंड

DPS divided by, sorry, dividend yield बाई सॉरी मार्केट वैल्यू पर शेयर शेयर मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू तो मार्केट वैल्यू by बुक वैल्यू क्यू रेशो मार्केट वैल्यू इक्विटी और लाइबिलिटी की कितनी है डिवाइडेड बाई रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है अब इनमें से याद कुछ नहीं करना कुछ याद नहीं करना कोई नीड नहीं है मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कुछ याद करने की जरूरत नहीं है बच्चे रट्टे मारते हैं इसके बहुत टाइम वेस्ट करते हैं कोई नीड नहीं है जब क्वेश्चन दिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रटने की कोई जरूरत नहीं थी बस एक बार देखकर समझ लो इतनी ही जरूरत है इसके अलावा जरूरत ही नहीं है फिर हमारे पास जब आता है एक आता है रिटर्न ऑन कैपिटल से और रिटर्न ऑन इक्विटी ड्यू पॉइंट से तो ड्यू पॉइंट साहब ने कहा कि जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइड आई बाई कैपिटल एम्प्लॉयड तो बोले आप एक काम करो इसको ऐसे मत निकालो बल्कि दो टुकड़ों में तोड़ दो तो इन्होंने दो टुकड़ों में तोड़ा बोले हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया ईबीआईटी डिवाइड आई सेल्स मल्टीप्लाई बाई वन हंड्रेड ठीक है बोले दूसरा हम लेंगे कैपिटल टर्नओवर कैपिटल टर्नओवर ओवर रेशो का मतलब होता है सेल्स डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड तो बोले कि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे और कैपिटल टर्नओवर निकालेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है सेल्स का ईबीआईटी से रिलेशन और कैपिटल टर्नओवर बोलते हैं सेल डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी आएगा भी रेशो तो ये बोले आप एक काम करो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और कैपिटल टर्न ओवर को निकाल के इन्हें मल्टीप्लाई करो उसे हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलेंगे तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखूँ तो सेल से सेल कैंसिल बचा क्या ईबीआईटी डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड इन टू हंड्रेड तो यही तो रेशो होता था तो इन्होंने कहा कि नहीं जी ऐसे नहीं चलेगा आपको इन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करना होगा ठीक है बोले ऐसे ही रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है रिटर्न ऑन इक्विटी होता है अर्निंग फॉर इक्विटी अर्निंग फॉर इक्विटी यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस पी डी डिवाइडेड बाई इक्विटी फंड तो बोले इसको ऐसे मत निकालो पहले आप निकालो नेट प्रॉफिट रेशो आफ्टर टैक्स तो नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई सेल्स मल्टीप्लाई बाई वन हंड्रेड ठीक है फिर बोले दूसरा आप लो एसेट टर्न ओवर एसेट टर्न ओवर होता है सेल्स डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स

नेट प्रॉफिट रेशो निकालो एसेट टर्न और इक्विटी मल्टीप्लायर निकाल लो तो ये आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है अगर थ्योरी में पूछा जाए इसका कोई छोटा सा क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है इसके बाद में हमारे पास आते हैं एक्टिविटी रेशो इनको एफिशिएंसी परफॉर्मेंस टर्नओवर या वेलोसिटी रेशो भी बोलते हैं इनका फॉर्मूला बड़ा सीधा सा है कि हम ऊपर रखेंगे सेल्स और डिनोमिनेटर में किसी भी चीज को रख देंगे और बताएंगे कि आपकी एफिशिएंसी कितनी है जैसे मान लो दो कंपनी है ए और बी दोनों की सेल है इसकी दस लाख रुपए और इसकी बीस लाख रुपए ठीक है अब इनकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इसकी कैपिटल एम्प्लॉयड है पांच लाख ,00 और इसकी कैपिटल एम्प्लॉयड है बारह लाख रुपए अब हम यहां पर यह कहते हैं कि अब आप रेशो निकाल के देखो कैपिटल एम्प्लॉयड से सेल का इसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड टर्न ओवर रेशो या कैपिटल टर्न ओवर रेशो कैपिटल टर्न ओवर अब हमारे पास आएगा सेल्स डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड तो यहां पर आ गया दस लाख की सेल हुई है पांच लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड पर यानी टू टाइम्स है तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड का दो गुना सेल कर रहे हैं ठीक है ये कर रहा है बीस लाख की सेल बारह लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड पर तो इसका मतलब ये वन पॉइंट सिक्स सेवन टाइम सेल कर रहा है तो ये अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड से दो गुना सेल कर रहा है और यह अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड का वन पॉइंट सिक्स सेवन टाइम कर रहा है तो ज्यादा बेटर यह है ये दो गुना सेल जनरेट कर रहा है

सेल को अगर क्वेश्चन में सेल नहीं होगी तो सीओजीएस को हम लेकर चलेंगे तो सेल्स टोटल टर्न ओवर है तो सेल बाई कैपिटल है तो सेल बाई वर्किंग कैपिटल हमारे पास आ जाएगा ठीक है अच्छा सेल है पी एंड एल की फिगर और ये सारी एसेट हैं बैलेंस शीट की फिगर तो इसलिए डिनोमिनेटर वाली फिगर अगर पॉसिबल हो तो एवरेज बेसिस पर लेंगे ठीक है इसके बाद कुछ और टर्न ओवर रेशो है जो हमने पढ़े हुए हैं वर्किंग कैपिटल चैप्टर में वो कौन कौन से रेशो है ratio, 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 की, WIP की और की। तो यहां हमने वहां पर कैलकुलेशन में देखा था कि बताइए डेटर्स की अगर बात हो रिसीवेबल की बात हो तो किस चीज से लिंक करना चाहिए अगर रिसीवेबल की बात हो तो क्रेडिट सेल से लिंक करना चाहिए तो अगर डेटर टर्न ओवर रेशोल टर्न ओवर रेशो निकालना है तो हम क्रेडिट सेल लेंगे और डिनोमिनेटर में रिसीवेबल आ गए एवरेज अगर पेबल्स की बात हो क्रेडिटर्स की बात हो तो क्रेडिट परचेज लेंगे तो ऊपर पेबल्स आ गए एवरेज और नीचे क्रेडिट परचेज आ जा जाएगी इसके बाद में हमारे पास सॉरी ये उल्टा बोल दिया क्रेडिट परचेज ऊपर आ जाएगी नीचे पेबल्स आ जाएंगे इसके बाद में स्टॉक की बात करी जाए फिनिश गुड्स तो फिनिश गुड्स सीओजीएस से लिंक होता है डब्ल्यू आई पी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से और रॉ मेटेरियल रॉ मेटेरियल कंजम्पशन से जब हमने ऑपरेटिंग साइकिल के टाइम निकाले थे तो ये सारी चीजें आई थी तो सीओजीएस डिवाइडेड बाई फिनिश गुड्स स्टॉक और आपके पास में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाई डब्लू आईपी स्टॉक और रॉ मेटेरियल कंज्यूम ले लेंगे रॉ मेटेरियल के लिए रो मेटेरियल टर्न ओवर में रॉ मेटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाई एवरेज रॉ मेटेरियल स्टॉक ये हमारे पास सारे टर्न ओवर रेशो है तो मैं आपको बता दू टर्न ओवर रेशो में हमारे सबसे पहला रेशो है टोटल एसेट एसेट तो सेल टोटल टर्न ओवर तो टोटल सेल कैपिटल एम्प्लॉयड इसके बाद में वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर तो आपके पास सेल डिड बाई वर्किंग कैपिटल फिक्स टर्न ओवर तो सेल डिड बाई एसेट इसके बाद में हमारे पास करंटेट टर्न ओवर रेशो तो सेल डिवाइड बाई करंट एसेट जिससे भी लिंक करें कर दो तीन चीजों का ध्यान रखना है डेटर क्रेडिटर और स्टॉक डेटर को क्रेडिट सेल से लिंक करेंगे क्रेडिटर को क्रेडिट परचेज से लिंक करेंगे स्टॉक में तीन स्टॉक हैं। फिनिश्ड गुड्स को सीओजीएस से डब्ल्यू स्टॉक को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से और रो मटेरियल स्टॉक को रॉ मटेरियल कंजम्पशन से लिंक करेंगे तो वैसे हमारा जो न्यूमरेटर रहेगा वो रहेगा सेल्स तो अगर मैं बात करूं एसेट्स की तो एसेट्स में सेल डिवाइडेड वाई जो भी एसेट बोली जाए वो ले लीजिए अगर मैं बात करूं डेटर्स की

और डिनोमिनेटर में क्रेडिट लो मल्टीप्लाई सेवरेज पेबल्स और क्रेडिट परचेज रख देनी है मल्टीप्लाई थ्री सिक्सटी जो भी फिनिश गुड्स के लिए आपको एवरेज फिनिश गुड्स और सीओजीएस लेना है मल्टीप्लाई विद्री सिक्सटी फाइव डब्लू आईपी में आपको एवरेज डब्ल्यू आईपी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेना है मल्टीप्लाई विथ थ्री सिक्स और रॉ मेटेरियल के अंदर आपको रॉ मेटेरियल रो मेटेरियल मल्टीप्लाई विद 365 तो ये बेसिकली हमारे पास इनवेंट्री वेलोसिटी आर है ये है है ये F है, और पेबल वेलोसिटी हो गई सी और डेटर वेलोसिटी हो गई डी तो हमारे पास था आर प्लस डब्लू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी तो उन्हीं के रेशो यहाँ पे दे दिए तो वहीं पे याद करिए उसकी यहाँ पे कोई नीट नहीं है ठीक है जी ये हमारे हो गए इसके बाद में आते हैं लिक्विडिटी रेशो या शॉर्ट टर्म सोलवेंसी रेशो ये बिल्कुल सिंपल है इसमें एक तो सबसे बढ़िया करंट रेशो करंट एसेट डिवाइड करंट लाइव दूसरा है क्विक एसिड टेस्ट या लिक्विड इसके तीन नाम है क्विक रेशो एसिड टेस्ट रेशो या लिक्विड रेशो तो क्विक या लिक्विड एसेट्स लेंगे नीचे करंट लाइव क्विक एसेट्स का मतलब है करंट एसेट्स में से आप प्रीपेड और स्टॉक को हटा देंगे प्रीपेड और स्टॉक को हटा दीजिए तो प्रीपेड और स्टॉक को हटा देंगे तो हमारे पास लिक्विड एसेट आ जाएंगी आपको सारे क्वेश्चन जितने भी हैं स्टडी मॉड्यूल के आईसीआई के आज तक के उसमें सिर्फ स्टॉक ही मिलेगा प्रीपेड कहीं नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं करंट एसेट्स में से स्टॉक हटा दो हमारे पास क्विक एसेट्स आ जाएंगे तीसरा है कैश रेशो या एब्सोल्यूट लिक्विडिटी ये कहता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ले लो तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है कैश बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज मार्केटेबल सिक्योरिटीज कैश के अंदर भी लेते हैं ना कैश एंड कैश इक्ट वो उसकी बात कर, है। तो ले तो है। कर रहे हैं ये तो यहां पर कैश तरफ जा रहे हैं करंट रेशो में सारी करंट एसेट्स ली गई इसके अंदर प्रीपेड और स्टॉक भी है सब कुछ है इसमें लिक्विड रेशो में स्टॉक और प्रीपेड को हटा दिया गया और कैश रेशो में सारी करंट एसेट्स में से सिर्फ कैश एंड

और उसको डेली ऑपरेटिंग कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे जैसे मान लीजिए मेरे पास 50000 रुपए हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और मेरा एक दिन का ऑपरेटिंग खर्चा 5000 रुपए है। तो 50000 का कैश मेरे पास पड़ा हुआ है कैश एंड बैंक और 5000 रुपए एक दिन का खर्चा है तो मैं 10 दिन के खर्चे के लायक पैसा मेरे पास है इसे कहते हैं बेसिक डिफेंस इंटरवल यानी कितने दिन तक का खर्चे का पैसा कंपनी का मेरे पास आज अवेलेबल तो है तो पचास हजार रुपए एक दिन का खर्चा पांच हजार है तो आपके पास दस दिन का पैसा अवेलेबल है ओके इसके बाद में लिक्विडिटी में एक रेशो दिया है नेट वर्किंग कैपिटल रेशो स्टडी मैट में लिखा हुआ है ये मैं आपको बता दू ये रेशो गलत लिखा हुआ है इन्होंने कहा कि नेट वर्किंग कैपिटल रेशो है सी ए माइनस सी एल अब बताइए सी ए माइनस सी एल नेट वर्किंग कैपिटल रेशो थोड़ी होता है ये तो वर्किंग कैपिटल है सीए माइनस सीएल और इलेवेंथ ट्वेल्थ में भी आपने पढ़ा होगा कि नेट वर्किंग कैपिटल रेशो बेसिकली करंट रेशो को बोलते हैं तो करंट रेशो जो होता है हमारे पास सी ए डिवाइड बाई सी एल उसे हम करंट रेशो या नेट वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोलते हैं तो स्टडी मॉड्यूल के अंदर इन्होंने नेट वर्किंग कैपिटल रेशो दे रखा है सी ए माइनस सीएल तो ये बेसिकली वर्किंग कैपिटल है पर स्टडी मैट में दिया हुआ है तो मैंने इसको यहां पर रख लिया ये स्टडी मैट में अभी तक चेंज क्यों नहीं हुआ है इसको ठीक क्यों नहीं किया गया क्योंकि आज तक ये कभी पूछा ही नहीं गया भाई एग्जामिनर सीधे लिख देगा ना वर्किंग कैपिटल इतने रुपए है या फिर लिख देगा करंट रेशो इतना है तो नेटवर्किंग कैपिटल रेशो दिया हुआ है स्टडी मैट में लिखा हुआ है लेकिन ये आज तक कभी ना एग्जाम में पूछा गया ना कभी आएगा क्योंकि ये अपने आप में गलत बात लिखी हुई है नेटवर्किंग कैपिटल होती है सीए माइनस सीएल और अगर उसके आगे रेशो लगाता हूं तो सी ए डिवाइड बाई सी हो जाता है जो करंट रेशो हो गया तो करंट रेशो तो हम निकालना जानते ही है उसके लिए अलग से एक रेशो की जरूरत नहीं है

लिक्विडिटी uh, रेशो के अंदर कैश एंड कैश इक्ट डिड बाई लेंगे बेसिक डिफरेंस अगर कभी आ गया तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिवाइड बाई एक दिन का कैश का कितना खर्चा है जिससे हमारे पास आ जाए कितने दिन तक हम सर्वाइव कर सकते हैं इसके बाद हमारे पास आते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कवरेज रेशो तो कैपिटल स्ट्रक्चर और कवरेज रेशो को हम लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो के नाम से भी बुलाते हैं इसमें सबसे पहला है हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो में यहां पर हम कैपिटल स्ट्रक्चर देखेंगे और जब कैपिटल स्ट्रक्चर की बात आती है तो लॉन्ग टर्म फंड्स को लेना चाहिए सिर्फ लॉन्ग टर्म फंड्स तो सबसे पहला है इक्विटी रेशो तो इक्विटी रेशो का मतलब है हमारा इक्विटी फंड कितना है पूरे कैपिटल एम्प्लॉयड में तो कैपिटल एम्प्लॉयड में तीन लोगों से पैसा आता है इक्विटी फंड से प्रीफ्रेंस शेयर से और डेट फंड से कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है लॉन्ग टर्म का पैसा कि लॉन्ग टर्म का पैसा कितना है कैपिटल एम्प्लॉयड में करंट लाइबिलिटी नहीं होती

डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो में हम लेंगे लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड ये दोनों का आ गया डेट टू इक्विटी डेट टू इक्विटी में क्या लेना है ऊपर डेट और नीचे इक्विटी फंड तो यहां पर भी तीन फॉर्मुले दिए हुए हैं कि लॉन्ग टर्म डेट टोटल डेट कुछ ही ले सकते हो तो हम सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट लेंगे ये लॉन्ग टर्म फंड को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म फंड को ही हम लेके चलेंगे सजेस्टेड आंसर भी लॉन्ग टर्म फंड से आता है तो कंफ्यूज करने के लिए तीन तीन फॉर्मूले वहां पर दिए हुए हैं आपको एक ही याद करके जाना है तो इसके बाद में है डेट टू एसेट रेशो तो डेट लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स इसमें भी तीन फॉर्मूले दिए हैं हम एक ही देंगे अब जरा बताइए कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो सबसे पहले इक्विटी रेशो इक्विटी फंड डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड डेट रेशो डेट फंड डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड सब कुछ लॉन्ग टर्म का लेंगे डेट टू इक्विटी डेट डिवाइड बाई इक्विटी फंड डेट टू टोटल एसेट डेट डिवाइडेड बाई टोटल एसेट ये हमारे पास आ गए ये दो रेशो आपको याद करने पड़ेंगे एक है हमारे पास कैपिटल गियरिंग और दूसरा है प्रोप्राय रेशो देखो बाकी रेशो तो नाम से पता चल जाते हैं इक्विटी रेशो पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर में यानी कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी कितना है डेट रेशो पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कितना है डेट टू तो इक्विटी डेट और इक्विटी का क्या रिलेशन है डेट टू टोटल एसेट टोटल एसेट्स का डेट से क्या रिलेशन है ये तो क्लियर है लेकिन इन दोनों रेशो के ना नाम से नहीं पता चलता एक रेशो है कैपिटल गियरिंग रेशो कैपिटल गियरिंग रेशो कहता है कि न्यूमरेटर में जो लॉन्ग टर्म फंड फिक्स पेमेंट वाले हैं वो ले लो जिनको फिक्स पेमेंट करनी है तो फिक्स पेमेंट करी जाती है डेट को और प्रीफरेंशियर को और डिनोमिनेटर में नॉन फिक्स्ड फंड ले लो नॉन फिक्स्ड फंड है इक्विटी तो यहां पर आपके पास ऊपर आ जाएगा डेट और शेयर कैपिटल और डिनोमिनेटर में आ जाएगा इक्विटी जहां भी शब्द इक्विटी लिखा हुआ है इक्विटी का मतलब इक्विटी फंड है इक्विटी शब्द इक्विटी शेयर होल्डर फंड को रिप्रेजेंट करता है उसमें क्या क्या आता है वो बातें भी, बाते भी करेंगे तो देखिए कैपिटल गियरिंग रेशो में हम न्यूमिनेटर में लेंगे डेट और प्रीफरेंस शेयर और डिनोमिनेटर में लेंगे इक्विटी तो प्रीफरेंस शेयर डिवेंचर अदर कोई डेट है उसे भी ले लीजिए लॉन्ग टर्म लोन डिनोमिनेटर में इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्वमेंट सर प्लस माइनस एसेट को माइनस कर दीजिए तो बेसिकली इक्विटी फंड की बात कर रहा है तो डेट प्रीफरेंस डिवाइड बाई इक्विटी और दूसरा है प्रोप्राइटी रेशियो प्रोप्राइटरी रेशियो कहता है प्रोप्राइटर फंड डिवाइड बाई टोटल एसेट प्रोप्राइटर फंड यानी शेयर होल्डर फंड शेयर होल्डर फंड में आपके इक्विटी प्लस प्रिफरेंस दोनों आ जाते हैं डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स अब जरा देखिए हमारे पास टोटल छह रेशो हैं इक्विटी रेशो इक्विटी बाई कैपिटल गेयरिंग सॉरी कैपिटल गियरिंग डेट प्लस प्रीफरेंस जो फिक्स पेमेंट वाले हैं डिवाइड बाई इक्विटी फंड और प्रोपर्टी रेशो जिसके अंदर हम शेयर होल्डर फंड लेंगे जिसमें इक्विटी और प्रीफरेंस दोनों आ जाएंगे डिवाइड बाई टोटल एसेट्स इसके बाद हमारे पास आते हैं लास्ट कवरेज रेशो कवरेज रेशो ये कहते हैं कि आप अपनी पेमेंट टाइम से कर पाओगे या नहीं तो देखो जैसे मान लो मेरे पास ई बी आई डी है पांच लाख इंटरेस्ट इसमें से माइनस करता हूं मैं एक लाख रुपए मेरे पास बच जाता है ई बी टी ये बच गया चार लाख टैक्स है मेरे पास फिफ्टी परसेंट दो लाख का टैक्स चला गया इसके बाद बचे दो लाख रुपए ई ए टी प्रिफ्रेंस शेयर को देना है मान लो पी डी एक लाख रुपए अब इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचे एक लाख रुपए ई ए टी माइनस पीटी अब इक्विटी शेयर होल्डर को देना है मान लो इक्विटी डिविडेंड बीस हजार रुपए तो अस्सी हजार रुपए हो गए ट्रांसफर टू रिजर्व रिटर्न हो गई है इस साल की तो कवरेज रेशो कहता है कि तीन लोग हैं एक तो है डिवेंचर एक है शेयर और एक है इक्विटी शेयर होल्डर क्या आप उनको पेमेंट देने के लिए कैपेबल हो या नहीं तो इसके अंदर बड़ा सिंपल है सबसे पहले आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो तो इंटरेस्ट एक लाख रुपए देना है किसमें से देना है ईबीआईटी में से तो फॉर्मूला हो गया ईबीआईटी डिवाइडेड आई बाई इंटरेस्ट तो क्या आप इंटरेस्ट दे सकते हो यस yes. मैं पांच बार इंटरेस्ट दे सकता हूं तो ईबीआईटी डिवाइड बाई इंटरेस्ट फिर दूसरा आता है कि आप प्रीफरेंस दे सकते हो तो प्रीफरेंस डिड बाई प्रीफरेंस डिविडेंट दो लाख का ईएटी है एक लाख का प्रीफरेंस डिविडेंट है तो क्या आप प्रीफरेंस डिविडेंट पे कर पाओगे यस yes. एक नहीं दो बार दे सकता हूं दो लाख रुपए कमा रहा हूं एक लाख रुपए का प्रीफरेंस डिविडेंट और फिर आता है तीसरा इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशो तो क्या आप इक्विटी को डिविडेंड दे तो देना भाई 20 पांच दे सकता हूं, को पेमेंट तो कवरेज रेशो तो तीन कवरेज रेशो आपको मिलेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट कवरेज ईबीआईटी डिवाइड आई बाई इंटरेस्ट दूसरा प्रीफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो ईएटी बाई पीडी तीसरा इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशो ईएटी में से पीडी हटाओ डिवाइड बाई इक्विटी आपका डिविडेंड ये तीनों में आपको मिल सकते हैं इसके बाद में दो रेशो हैं जो थ्योरी में पूछे जा सकते हैं फिक्स चार्ज कवरेज और डेट सर्विस कवरेज रेश्ड चार्ज कवरेज और डेट सर्विस कवरेज रेशरेज ये दोनों ही एक ही बात कहते हैं ये कहते हैं क्या आप अपने डेट को अपने लोन को जो उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल है वो पे कर पाओगे या नहीं तो इंटरेस्ट कवरेज सिर्फ इंटरेस्ट की बात करता है लेकिन फिक्स चार्ज और डेट सर्विस दोनों ही इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट दोनों की बात करते हैं कि जो लोन लिया है इंटरेस्ट भी देना है और प्रिंसिपल भी देना है तो क्या दोनों क्योंकि ठीक है, plus है दूसरा है डेट सर्विस ये कहता है अर्निंग एवेलेबल फॉर डेट सर्विस तो अर्निंग एवेलेबल फॉर डेट सर्विस यही है ईबीआईटी प्लस डेप्रीशियन डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट तो दोनों रेशो एक ही बात कह रहे हैं एक ही फॉर्मूला है बस लाइने अलग लिखी हुई है अगर आ जाए फिक्स चार्ज कवरेट बताओ तो ईबीआईटी प्लस डेप्रीशिएशन लिखना डीएससीआर आए अगर तो अर्निंग एवेलेबल फॉर डेट सर्विस लिखना डिनोमिनेटर में इंटरेस्ट और प्लस जो प्रिंसिपल पार्ट है इंस्टॉलमेंट का वही लिखना है ओके अब हमारे पास अलग अलग टर्म्स जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर फंड या फिर सिर्फ लिखा हो इक्विटी ये दोनों एक ही बात है इक्विटी शेयर होल्डर फंड या इक्विटी दोनों एक बात है इक्विटी और इक्विटी शेयर कैपिटल इन दोनों में फर्क है इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब सिर्फ शेयर कैपिटल की बात कर रहा है लेकिन अगर सिर्फ इक्विटी लिखा हुआ है सिर्फ इक्विटी तो इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर होल्डर फंड है उसमें शेयर कैपिटल के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड इक्विटी या फिर लिखा हुआ है नेटवर्थ इन सबका एक ही मतलब है तो यहां पर क्या आता है यहां पर आता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्वेंट सर प्लस कोई है तो माइनस एसेट्स को माइनस कर दीजिए तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड इक्विटी फंड इक्विटी नेटवर्थ ये सब एक ही चीज है फिर से हूं इक्विटी शेयर होल्डर फंड इक्विटी इक्विटी फंड नेटवर्थ ये चारों एक ही चीजें हैं इक्विटी शेयर होल्डर फंड इक्विटी फंड इक्विटी या नेटवर्थ ये चारों एक ही टर्म है इसका मतलब है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्वेंट सर प्लस माइनस कोई एसेट है तो उसको हटा दो ठीक है अच्छा अगर आप देखोगे कहीं पर भी आप गूगल पे पढ़ो कहीं पे भी पढ़ो कि नेटवर्थ का क्या मतलब है तो नेटवर्थ शेयर होल्डर फंड को बोला जाता है यानी नेटवर्थ के अंदर शेयर कैपिटल भी इंक्लूड होती है तो जैसे सीएस और सीए के कोर्स है बीकॉम के कोर्स हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग अप्रोच ली जाती है ICI ने नेटवर्थ इक्विटी फंड को माना है जबकि आप गूगल करोगे तो नेटवर्थ बेसिकली नेटवर्थ के अंदर इक्विटी शेयर के अलावा भी होते हैं तो आपको कहीं पर अगर बीकॉम की बुक में या आपको किसी और प्रोफेशनल कोर्स में कुछ और दिखता है तो आप उस पर मत जाइएगा यहाँ पे देशों में नेटवर्थ आप इक्विटी फंड को लेंगे तो यहां पर हमें इक्विटी फंड लेना है नेटवर्थ के लिए ठीक है फिर आता है शेयर होल्डर्स फंड ओनर्स का फंड या प्रोप्राइट्री फंड तो शेयर होल्डर फंड ओनर्स फंड फंड एक ही चीज है इसमें कुछ नहीं करना इक्विटी के अंदर प्रीफरेंस को और जोड़ दो बस तो इसमें इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा प्लस प्लसेंस आ जाता है ठीक है टोटल डेट टोटल आउटसाइड टोटलिटी अगर कहीं लिखा हो टोटल डेट या टोटल आउटसाइड डाइबिलिटी तो उसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों होते हैं कहीं पर अगर लिखा हो टोटल डेट या टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी तो उसमें शॉर्ट टर्म टर्म लॉन्ग दोनों चीजें होती हैं टोटल एसेट्स जब भी लेंगे उसमें से फिकीसी हटी हुई होनी चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर फंड प्लस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट ये तीनों चीजें आती हैं ओके okay. तो इसमें दो तरीके हैं एक है लाइबिलिटी साइड से निकालना तो शेयर होल्डर्स का फंड ले लो इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व सर प्लस फेक्टीसी माइनस हो गया इक्विटी आ गया प्लस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को जोड़ दिया तो ये हो गया शेयर होल्डर फंड इसमें लॉन्ग टर्म डेट को एड कर दो इसके बाद में अगर कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट या कैपिटल डब्ल्यू आई बी होता है उसे हटाते हैं लेकिन आईसीआई ने आज तक ये दोनों दिए नहीं तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है तो आप सिर्फ ये याद रखिए इक्विटी शेयर होल्डर फंड प्लस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट इन तीनों को जोड़ें तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा दूसरा है एसेट साइड से जोड़ना तो एसेट साइड से बड़ा सिंपल सा है फिक्स्ड एसेट्स ले लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट है उसे ले लीजिए और वर्किंग कैपिटल को ले लीजिए तो फिक्स्ड एसेट्स और वर्किंग कैपिटल को अगर जोड़ दें अगर इन्वेस्टमेंट है तो उसे भी जोड़ लीजिए तो फिर हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा एसेट साइड से तो हमेशा लाइबिलिटी साइड से ही निकालिएगा जिसमें इक्विटी शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल और डेट को आप लोग लेके चलेंगे एक फिगर पी एंड एल से और एक बैलेंस शीट से हो तो बैलेंस शीट की फिगर अगर पॉसिबल है तो एवरेज ले लीजिए सेल्स की अगर बात की जाए तो सेल्स हमेशा एक्सक्लूडिंग जीएसटी होनी चाहिए तो जो जीएसटी होता है वो हमारा नहीं होता वो गवर्नमेंट के पास जमा हो जाता है तो सेल जो भी होगी वो हमेशा एक्सक्लूडिंग जीएसटी होगी और इसके बाद में रिसीवेबल टर्नओवर की बात की जाए डेटर्स की बात की जाए तो डेटर्स के केस में सेल हमेशा क्रेडिट होगी और बिफोर बैड डेट होनी चाहिए या प्रोविजन फॉर बैड डेट होनी चाहिए और उसके अंदर जीएसटी भी जुड़ा होना चाहिए सर आपने भी ऊपर का जीएसटी नहीं होगा सेल में तो पूरे देशों में सेल के अंदर जीएसटी नहीं देंगे एक्सक्लूडिंग जीएसटी होगा लेकिन अगर डेटर्स की बात करें तो डेटर्स में पहली बात सेल क्रेडिट सेल होगी दूसरी बात डेटर बिफोर बैड डेट होने चाहिए बैड डेट अगर माइनस करते हैं तो डेटर्स की अमाउंट बदल जाती है तो एनालिसिस के लिए बिफोर बैड डेट होनी चाहिए तीसरा ये इंक्लूडिंग जीएसटी होना चाहिए ऐसा क्यों ऐसा इसलिए कि जो डेटर है हमें उससे जो पैसा लेना है वो पैसा इंक्लूडिंग जीएसटी है जैसे मान लीजिए मैंने दस हजार रुपए की सेल करी अठारह सो का जीएसटी है मिस्टर एक्स को तो मैं क्या करूंगा मिस्टर एक्स डेबिट टू जीएसटी टू सेल एक्सक्लूडिंग जीएसटी तो मुझे मिस्टर एक्स से दस हजार रुपए सेल के अठारह सौ रुपए जीएसटी के पूरे ग्यारह हजार आठ सौ रुपए लेने हैं तो बेसिकली टेटल से मुझे पूरा पैसा चाहिए तो इंक्लूडिंग जीएसटी हमारी सेल होनी चाहिए ये भी क्वेश्चन में कहीं आपको मिलेंगे नहीं लेकिन ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं जिसमें एग्जामिनर आपको कभी घुमा सकता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब एडमिन और सेलिंग एक्सपेंस है ठीक है।, है जी अब हमने जितने भी रेशो देखे हैं जितना भी अभी तक पढ़ा है उसे सबको भूल जाइए दिमाग से निकाल दो अब मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम में इनमें से एक भी कोई भी पॉइंट काम नहीं आने वाला एग्जाम में क्या काम आने वाला है उसकी बात करेंगे अगर किसी का यहां तक कोई पॉइंट है तो वो बोल सकता है रेशो रटने की चीज नहीं है रेटो समझ रेशो समझने की हाँ जी किसी का कोई पॉइंट है तो बता दीजिए उसके बाद में हम देखेंगे रेशो के क्वेश्चंस मुश्किल से मिनट में इसका एग्जाम ओरिएंटेड काम पूरा आपका खत्म हो जाएगा बहुत ही सिंपल चैप्टर है और फाइव टू टेन मार्क्स हर अटेम्प्ट में आता है ये और जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिए हैं क्यू में ये बूस्टर बैच के क्वेश्चन में से इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा जी जी बताइएगा क्लियर है सबको ओके जी बच्चा पूछ रहा है सर नेटवर्थ में प्रीफरेंस शेयर कैपिटल लेंगे बेटा अभी तो बताया प्रीफरेंस शेयर कैपिटल आईसीआई नहीं लेता जी अब जरा देखिएगा अब हमारे पास है बीबीक्यू थर्टी सेवन इस क्वेश्चन क्वेश्चन एग्जाम में तीन चार बार पूछा जा चुका है स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन है एक्स कंपनी कंपनी हैज मेड फॉर द नेक्स्ट ईयर इट इज़ एस्टिमेटेड दैट से आधा पैसा यानी चार लाख रुपए लोन से आया है और एट परसेंट उसका इंटरेस्ट है बचा हुआ चार लाख किससे आया होगा बचा हुआ चार लाख इक्विटी से आया होगा जब क्वेश्चन साइलेंट है तो बचा हुआ पैसा इक्विटी देगा द डायरेक्ट कॉस्ट फॉर दर एस्टिटेड फोर एटी जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो फोर एटी है ऑल अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव एटी थाउजेंड ठीक है जी द गुड्स विल बी सोल्ड टू कस्टमर वन फिफ्टी परसेंट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट तो डायरेक्ट कॉस्ट का वन फिफ्टी परसेंट सेल है तो फोर पॉइंट एट लेक का सेल हो गई सेवन लैख ट्वेंटी थाउजेंड करेंट टैक्स रेट फिफ्टी परसेंट है तो इसमें सबसे पहले तो हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है सेल कितनी है सात लाख बीस हजार डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है फोर एटी इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी है एटी थाउजेंड माइनस कर देंगे ईबीआईटी आ जाएगा इंटरेस्ट कितना देना है चार लाख रुपए पे आठ परसेंट इंटरेस्ट माइनस करेंगे अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा फिर फिफ्टी परसेंट टैक्स देंगे ई आई टी आ जाएगा तो हमारे पास सेवन ट्वेंटी की सेल डायरेक्ट कॉस्ट माइनस कर दी ग्रॉस प्रॉफिट आ गया इनडायरेक्ट कॉस्ट माइनस कर दिया ईबीआईटी आ गया यानी कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटरेस्ट माइनस कर दिया ईबीटी आ गया टैक्स माइनस कर दिया ईएटी आ गया ये निकाल दिया ठीक है जी अब जरा देखिए क्वेश्चन पूछ क्या, क्या रहा है अब आपको पता चलेगा कि एक एक चीज क्लियर दी होती है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन खुद बताए हुए बिफोर टैक्स लेना है आपको क्लियर करके देगा वरना आईसीआई को दो सजेस्टेड बनाने पड़ेंगे एक बिफोर टैक्स वाला एक आफ्टर टैक्स वाला वो क्यों फंसेगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईबीआईटी डिवाइड बाई सेल ईबीआईटी निकाल चुके हैं सेल निकाल चुके हैं आ गया जी नेट प्रॉफिट मार्जिन क्लियर बताया आफ्टर टैक्स लेना है तो ईएटी लेना है आपको नेट प्रॉफिट ईएटी डिवाइड बाई सेल्स निकल कर आ गया रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन एसेट के तो तीन फॉर्मूले हो सकते हैं जय देखिए क्या कह रहे हैं कह रहे हैं ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी ईबीआईटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स यानी वन माइनस टी लेना है तो यही तो हमारा प्रीफर्ड फॉर्मूला है

ये पांच नंबर में आता है कई बार पहले तो आठ आठ नंबर में भी आ जाता था एक बार दस नंबर में आया है वैसे पांच नंबर का ये बनता है और ये एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यू भी बनता है अगर एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यू बनाना है तो यह क्वेश्चन बहुत बढ़िया है इसके लिए कि भाई हर चीज के चार चार पॉइंट दे दो और आपको वहां पर निकाल कर आ जाना होगा फाइव मार्क्स का क्वेश्चन है बैक टू बैक आता रहता है सात आठ बार आ चुका है टोटल टाइम टेन यूर में और पिछले अगर मैं बात करूं बीस साल की तो पिछले बीस साल में करीब मतलब सात आठ बार दस साल में चार पांच बार आ चुका है ओके बीबी क्यू थर्टी एट अब जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो मिलेंगे ऐसे ये सब स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चन है ठीक है है क्वेश्चन के अंदर आपसे बैलेंस शीट और पी एंड एल मांगा जा सकता मेन क्वेश्चन यही रहता है आईसीआई का कि पी एंड एल और बैलेंस शीट बनाओ आप जितने भी पी वाई क्यू देखोगे के उठाकर के सब में भर भर के सिर्फ यही क्वेश्चन आता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड रेशो प्रिपेयर द बैलेंस शीट एट थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थ्री एंड इनकम स्टेटमेंट तो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट दोनों चाहते हैं ये एवरेज स्टॉक दस लाख रुपए है ठीक है करंट रेशो थ्री है एसिड रेशो है और 2 .2 है और पीबीटी का रिलेशन एवरेज कलेक्शन पीरियड तीस दिन का थ्री सिक्सटी डेज लेकर क्वेश्चन करना स्टॉक टर्न ओवर रेशो फाइव टाइम्स है और स्टॉक टर्न ओवर तो सीओजीएस से निकलता है क्लियर बताया है सेल को लेकर करना तो देखो आपके पास यहां पर एवरेज स्टॉक है आपके पास स्टॉक टर्न ओवर रेशो आ गया तो स्टॉक टर्न ओवर रेशो इक्व टू आपके पास सेल्स डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक तो स्टॉक टर्न ओवर रेशो है फाइव टाइम्स एवरेज स्टॉक है दस लाख सेल निकल कर आ जाएगी सेल्स आपकी हो गई पचास लाख रुपए ठीक है इसके बाद में कह रहे हैं फिक्सडेट टर्न ओवर रेशो पॉइंट एट टाइम्स तो फिक्स्ड एसेट्स में हमें क्या लेना होता है टर्न ओवर सेल डिवाइड बाई फिक्स एसेट्स ये पॉइंट है सेल हमें पता है पचास लाख है यहां पर आ जाएगा सामने रहा है, 10 और 10 है, 40 है तो सेल है हमारी पचास लाख उसका दस परसेंट पांच लाख का नेट प्रॉफिट है उसका चालीस परसेंट बीस लाख रुपए हमारा ग्रोस प्रॉफिट है सीओ जी एस हमारा हो गया थर्टी लैख थर्टी लाख का हमारा सीओ जी एस है अगर जरूरत पड़े तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट नौ लाख रुपए ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गए लॉन्ग टर्म लोन पर इंटरेस्ट बारह परसेंट है क्वेश्चन में टैक्स है ही नहीं ठीक है जी अब हमें इसमें कई सारी चीजें निकालनी होती तो बहुत सारी चीजें तो मैंने ऐसे लिखकर बता दी आपको एक रिलेशनशिप मेरे को बताना है आपको पहले इसकी वर्किंग नोट दिखा देता हूं हा स्टॉक टर्न ओवर रेशो हमारे पास था इससे हमारे पास सेल निकल कर आ गई ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकल कर आ गए ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बाद में हमारे पास फिक्स एसेट्स निकल कर आ गए ये चीजें हमारे पास निकल गई वर्किंग नोट आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ये दिया जाता है करंट रेशो एसिड टैक्स रेशो और वर्किंग कैपिटल बता देता है क्वेश्चन ये करंट रेशो दिया हुआ है और ये वर्किंग कैपिटल दी हुई है तो वर्किंग करंट रेशो का फॉर्मूला होता है सी ए बाई सी टू थ्री टू वन यानी थ्री तो हमारे पास हो जाएगा सी एक्व टू थ्री सी एल ये तो जब भी करंट रेशो और वर्किंग कैपिटल दिया गया हो ये इस तरह का इसकी ट्रिक रहती है कि दोनों लिंक करके निकालिए तो पहले हो गया हमारे पास करंट सी एक्व टू थ्री सी एल अब दूसरा हमारे पास हमें बताया वर्किंग कैपिटल कितनी है तो वर्किंग कैपिटल होती है सीए माइनस सी एल इक्व टू दस लाख रुपए है तो सीए माइनस सी एल दस लाख रुपए है सीए का मतलब क्या है ए का मतलब थ्री सी एल सी एक्वी सी एल तो मैं इसकी जगह थ्री सी एल लिख सकता हूँ माइनस सी एल इक्व दस लाख टू दस लाख सी एल इक्वे करंट लाइबिलिटी आपके पास और सी ए कितना था सी एक्व टू था पांच लाख तो थ्री सी एल हो गया फिफ्टीन करंट एसेट और करंट लाइटीज आपके पास निकल जाती है इससे तो अगर क्वेश्चन में करंट रेशो और वर्किंग कैपिटल दी जाए तो करंट रेशो और वर्किंग कैपिटल को दोनों को करके सीए और सीएल दोनों आ जाता है तो हमारे पास सीए और सीएल आ जाएगा हाँ पर करंट एसेट्स लाख और करंट लाख रेशो को और वर्किंग कैपिटल को एसिड टेस्ट रेशो की यहां पर जरूरत नहीं है क्वेश्चन ने खुद ही स्टॉक दस लाख बताया हुआ है इन्होंने निकाल कर दिखाया है तो स्टॉक ऑलरेडी दस लाख रूपये दिया हुआ है उसकी नीड ही नहीं है अब हमारे पास एक रेशो इन्होंने दिया हुआ है यहां पर पीबीआईटी टू पीबीटी तो हम जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें चलते हैं हमारे पास सेल आ चुकी है पचास लाख सीओजीएस तीस लाख रुपए हम निकाल चुके हैं ठीक है ऑपरेटिंग लाख रुपए हमें दिए गए हैं एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट उसमें इंटरेस्ट नहीं है अब अगर मैं इंटरेस्ट और माइनस कर दू तो मेरे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा तो नेट प्रॉफिट मैं पहले ही निकाल चुका हूं पांच लाख रुपए पचास लाख रुपए पर दस परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट था पांच लाख सॉरी नेट प्रॉफिट और चालीस परसेंट यानी बीस लाख रुपए ग्रॉस प्रॉफिट था ये पहले ही दिया हुआ था तो ग्रॉस प्रॉफिट बीस लाख आ चुका है नेट प्रॉफिट पांच लाख आ चुका है तो बताइए मेरे पास यूजीएस माइनस करा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करे मेरे पास आ गया ईबीआईटी ईबीआईटी यहां पर हो गया मेरे पास ग्यारह लाख रुपए ग्यारह लाख रुपए का ईबीआईटी और नेट प्रॉफिट है मेरे पास पांच लाख बताइए दोनों का डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट लाख रुपए आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन ने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, 12 है। अब बताइए छह लाख रुपए का इंटरेस्ट है परसेंट के रेट से तो लोन कितना रहा होगा छह लाखेंट पचास लाख का लोन रहा होगा अब उल्टा करके देख लीजिए पचास लाख का बारह परसेंट छह लाख रुपए इंटरेस्ट हो गया तो अब मेरे पास लोन आ गया है पचास लाख करंट लाइफ दी जा गई है पांच लाख फिक्स्ड एसेट सिक्सटी टू फिफ्टी में निकाल चुका हूं स्टॉक मेरे पास दस लाख रुपए है डेटर मुझे क्वेश्चन ने बोले हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड तीस दिन तो पचास लाख रुपए की सेल है तीस दिन के डेटर हैं तो मेरे पास आ गए थर्टी 30 फोर पॉइंट वन सिक्स लैख ये मेरे पास डेटर आ गए ये डेटर आ गए अब मेरी जो करंट एसेट्स थी वो पंद्रह लाख रुपए की थी तो पंद्रह लाख में से दस लाख का स्टॉक चार लाख समथिंग के डेटर बचे हुए अदर करंट एसेट आ गए बैलेंसिंग फिगर यही वाली साइड पूरी होगी सेवेंटी सेवन फिफ्टी यहां भी सेवन सेवन फिफ्टी हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल तो इस तरीके से पी एंड एल और बैलेंस शीट आपको बनाने के लिए दिए जाते हैं बड़ा सिंपल सा रहता है कि क्या करिए जो जो रेशो दिए गए हैं उनसे वन बाई वन एक एक चीज निकालते जाइए खुद आप दी एंड पर पहुंच तो जाएंगे इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है स्टार्टिंग कहां से करें तो स्टार्टिंग करने का एक फॉर्मूला है कि किस चीज से स्टार्टिंग करें जो चीज अमाउंट में दी गई हो स्टॉक अमाउंट में दिया गया है फिर स्टॉक रेशो आ गया इसको लिंक कर लीजिए सेल आ जाएगी फिर सेल से से आपके आपके पास पास फिक्स्ड एसेट है है वो सेल से है, वो सेल रिलेटेड होता आ जाएगा आपके पास नेट प्रॉफिट रेशो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है वो निकल आएंगे तो जो स्टार्टिंग है वो दिक्कत होती है तो स्टार्टिंग हमेशा करिए जो न्यूमेरिक फिगर दी हो उससे रिलेटेड रेशो को उठा लीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए ठीक है इसके बाद में हमारे पास है बीबीक्यू क्यू थर्टी नाइन देखेगा मैंने कुछ क्वेश्चन रख दिए हैं बैलेंस शीट वाले जिससे आपका हाथ साफ हो जाए इसके अलावा और स्टडी मैट में बैलेंस शीट और पी एंडल के सेम एक जैसे ही क्वेश्चन खूब सारे हैं आप जितनी प्रैक्टिस करो उतना बेहतर है आपके लिए फ्रॉम द फॉलोइंग यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ उतनाइज बैलेंस शीट फॉर रुद्रा लिमिटेड फॉर द इंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थ्री डेट इक्विटी रेशो वन इज टू वन करंट रेशो थ्री टू वन एसिड टेस्ट रेशो एट इज टू थ्री फिक्स एसेड टर्न बेस्ड ऑन सेल्स फोर टाइम्स

सेल डिवाइडेड बाई फोर है, का है. है, है तो सेल का वन फोर्थ है ठीक तो है फिर ऊपर ही सारे रेशो दिए गए हैं आपका फिक्स एसेट टर्न ओवर स्टॉक टर्न ओवर सेल टू नेटवर्थ ये सारे रेशो की ऊपर ठीक है, है सेल गया तो नेटवर्थ सेल की वन फोर्थ हो गई ठीक है जी एक, एक करके सबको लिंक करते हैं इसके बाद में डेट इक्विटी अब आपके पास नेटवर्थ आ चुकी है क्योंकि नेटवर्थ इक्विटी के बराबर है तो नेटवर्थ तो नेट और लॉन्ग टर्म लोन एक बराबर है वो भी वन फोर्थ हो गया फिर ग्रोस प्रॉफिट रेशो ट्वेंटी परसेंट है ग्रोस प्रॉफिट रेशो में हम लोग लेते हैं ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स माइनस जीपी यहां पर बोला हुआ है कि आपको सीओ जी एस ग्रोस प्रॉफिट रेशो आपके पास आ गया ट्वेंटी परसेंट तो आप सेल का सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट भी सीधे भी ले सकते हैं तो यहां पर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट ट्वेंटी परसेंट है ग्रोस प्रॉफिट सेल माइनस जीपी हो गई हमारे पास कॉस्ट सेल का मतलब है एक्स क्वस टू ट्वेंटी जीपी यहां पर गया, सेल जीपी सामने जाकर मल्टीप्लाई हो गया तो सेल का मतलब था एक्स एक्स तो और जीपी सामने जाकर GP हो गया। अब ये ये में सामने आकर ऐड हो जाएगा तो वन पॉइंट टू जीपी आके सामने और इधर रह गया पॉइंट टू एक्स अब हमारे पास ये जो पॉइंट टू है और ये वन पॉइंट टू है ये वन पॉइंट टू सामने जाकर डिवाइड होगा तो पॉइंट टू डिट टू एक्स तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल ये हो गया 1, तो एक्स तो ये या फिर निकल कर आ गया ठीक तो 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 है सीओ जी एस को क्रेडिटर से लिंक किया गया है टेन इंस टू वन तो हमारे पास जो सीओ जी एस है वो है फाइव बाई सिक्स और क्रेडिटर है टेन इंस टू वन के रेशो में तो हमारे पास ये जो टेन है ये सामने आकर डिवाइड हो जाएगा तो फाइव बाई 6 है, X, अगर हम 10 करेंगे यहां पर टेन को सामने लेकर आएंगे तो टेन नीचे जाकर मल्टीप्लाई होगा फाइव से टेन कैंसिल हो जाएगा टू हो गया तो टू और सिक्स हो गया ट्वेल्व टू मल्टीप्लाई सिक्स ट्वेल्व तो आपके पास हो गया वन बाई ट्वेल्व एक्स या फिर एक्स बाई 12. बच्चों वाला मैथमेटिक्स है लेकिन शुरुआत कैसे करनी है इसमें दिक्कत थी बच्चा इसमें एग्जाम में फंस सकता है इसके बाद में स्टॉक टू डेटर का रेशो वन इस टू वन है तो जितना स्टॉक था उतना ही डेटर हो गया तो स्टॉक था हमारे पास वन बाई सिक्स एक्स तो डेटर भी वन बाई सिक्स एक्स हो गए इसके बाद में दिया हुआ है करंट रेशो करंट रेशो में क्या क्या आएगा स्टॉक आएगा डेटर आएगा कैश आएगा डिवाइड बाई करंट लाइटीज करंट लाइटीज सामने जाकर मल्टीप्लाई हो गई थ्री सी एल हो गई स्टॉक एक्स वाई सिक्स है डेटर भी एक्स वाई सिक्स है कैश दिया हुआ है पांच लाख रुपए ठीक है जी तो इनको जोड़ दिया तो एक्स वाई थ्री प्लस पांच लाख रुपए थ्री सी एल एक्स वाई नाइन और प्लस फाइव लैक डिवाइड हो गया सामने रह गया जो थ्री था वो सामने ले जाकर डिवाइड कर दिया दोनों में ठीक है जी ये भी निकल आया अब करंट एसे थ्री करंट लाइविटीज है तो यहां पर जो आपकी करंट लाइबिलिटीज थी उसमें मल्टीप्लाई बाई थ्री कर दिया ये हमारे पास निकल कर आ गया एक्स वाई थ्री प्लस फाइव लैक अब यहां पर सारे के सारे रेशो आपके खत्म हो जाएंगे ये सारे रेशो जितने भी हैं सबको हमने एक्स में कन्वर्ट कर दिया अब सारे रेशो एक्स में कन्वर्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे लाइबिलिटीज और एसेट्स को साथ में आमने सामने रख देंगे तो लाइबिलिटीज में क्या आएगा इक्विटी फंड लॉन्ग टर्म लोन और करंट लाइबलिटीज ये हो गई हमारी लाइबिलिटी वाली साइड इक्व टू एसेट वाली साइड आ जाएगी अब एसेट में आ गया फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स तो नेटवर्क था फोर, लॉन्ग टर्म लोन था एक्स वाई फोर करंट लाइबिलिटी प्लस हमने आमने सामने रखा इसको, अब दोनों तरफ सिर्फ एक्स एक्स है और एक न्यूमेरिक फिगर है फाइव लैख रुपये तो ही एक्स को पूरे को सोल्व करेंगे और आपके पास कर आ जाएगा एक करोड़ बीस लाख की सेल जैसी सेल निकल कर आई फिक्स्ड एसेट्स इसका वन फोर्थ है थर्टी लैख स्टॉक है ये है ट्वेंटी लैख ये आपका थर्टी लैख आ जाएगा बस सारी की सारी बैलेंस शीट आपकी बनकर पूरी तैयार हो जाएगी तो ये अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि कभी भी एग्जाम में आ सकता है दस नंबर में आएगा सीधे इसमें सिर्फ कैश इन हैंड दिया हुआ है बाकी कुछ नहीं दिया हुआ तो आपको सेल को एक्स लेकर निकालना पड़ेगा इसके बाद में हमारे पास एक क्वेश्चन है बीबीक्यू क्यू फोर्टी ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है स्टडी मैट का इस क्वेश्चन के अंदर आपको बैलेंस शीट दी गई है अभी शेयर कैपिटल एक लाख रुपए पी एनडल सत्रह हजार करंट लाइटी थाउजेंड सामने लैंड एंड बिल्डिंग एट्टी थाउजेंड की है प्लांटेड मशीनरी पचास हजार की है पंद्रह हजार का डेप्रीशिएशन है पैंतीस हजार रुपए टोटल एक लाख पंद्रह हजार स्टॉक रिसीवेबल बैंक दिया हुआ है 42, 157, 157 यहां पर आ गया ठीक है विथ द हेल्प ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन फर्निस्ड बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रोफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट तो बी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों बनानी है ठीक है फर्स्ट पॉइंट द कंपनी वेंट इन फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर हम इस कैपिटल स्ट्रक्चर को रिऑर्गेनाइज करने की सोच रहे हैं विदर कैपिटल रिमेनिंग द सेम एज फॉलो कह रहे शेयर कैपिटल सेम रहेगी तो शेयर कैपिटल थी एक लाख रुपए वो सेम टू सेम रहेगी ओके अब यहां पर इन्होंने कहा शेयर कैपिटल अदर शेयर होल्डर फंड फंडर और पेबल टोटल हंड्रेड परसेंट हो गया अब इसके अंदर शेयर कैपिटल हमें पता है एक लाख रुपए है इन्होंने कहा शेयर कैपिटल सेम रहेगी तो बताइए शेयर कैपिटल एक लाख रुपए जो पचास है पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर की तो पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर दो लाख रुपए का हो गया तो हमारी लाइवलिटी साइड नई वाली दो लाख रुपए आने वाली है पंद्रह परसेंट अदर शेयर होल्डर फंड है तीस हजार रुपए हो गया दस परसेंट डिवेंचर है बीस हजार रुपए के डिवेंचर हो गए पच्चीस परसेंट पेबल है तो पचास हजार रुपए के पेबल्स हो गए ये हमारे पास लाइबिलिटी साइड बनकर तैयार हो गई शेयर कैपिटल एक लाख तीस हजार के अदर शेयर होल्डर फंड बीस हजार रुपए डिवेंचर और पेबल पचास हजार ये देखेगा शेयर कैपिटल अदर शेयर होल्डर फंड डिवेंचर और पेबल ये हमारे पास आ गए दो लाख रुपए दो लाख रुपए लाइबिलिटी है तो एसेट भी दो लाख रुपए हो गई ये भी हमारे पास आ ठीक है जी आगे कहानी पढ़ते हैं Second, Land and building unchanged. Building 80 की थी अभी भी अस्सी हजार रहेगी लिख दीजिए अस्सी हजार रुपए लैंड एंड बिल्डिंग आ गई अस्सी हजार ठीक है जी करें एडिशनल एंड मशीनरी बाउट एंड फर्दर फाइव थाउजेंडेसन राइट ऑफ तो पांच हजार रुपए का डेप्रीशियशन और लगाए और मशीन भी खरीदी है तो अभी आपका डेप्रीसिएशन है पंद्रह हजार पांच हजार का डेप लगा है, तो हो जाएगा बीस हजार रुपए अब कह रहे हैं परसेंट ऑफ टोटल फिक्स्ड एंड करंट एसेट तो फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट दोनों मिलाकर है दो लाख रुपए की कह रहे हैं इसका सिक्सटी परसेंट फिक्स एसेट्स रिप्रेजेंट करेगा तो 60 का मतलब एक लाख बीस हजार से हम बिल्डिंग अस्सी हजार की लिख चुके हैं तो बताइए प्लांट एंड तो माइनस करने के बाद है तो इसका मतलब उसकी जो हमारी बिफोर डेप्रीशिएशन वैल्यू है वो सिक्सटी थाउजेंड आ जाएगी ये एक लाख बीस हजार रुपए आ गए हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स के बचे हुए अस्सी हजार रुपए करंट एसेट्स के हो गए अब करंट एसेट को स्प्लिट करके दिखाने है कैसे कैसे बटेगा करंट एसेट को स्प्लिट करने में हमारे पास वर्किंग कैपिटल रेशो दिया हुआ है एट इज टू फाइव इसका कोई फायदा नहीं है उसका रीजन क्या है पचास करंट एसेट बाई करंट लाइव टीच करंट एसेट करंट लाइफ टीच हमें पता है पचास हजार है ये पेबल्स हम निकाल चुके हैं और करंट एसेट हम निकाल चुके हैं अस्सी हजार दोनों चीजें निकल चुकी हैं एट इज फाइव आ रहा है ठीक है तो ये किसी काम नहीं आ पाया रेशो। अगर हमारे पास करंट एसेट्स की वैल्यू नहीं होती तो काम आ जाता तो तो हमारे पास दोनों चीजें थी तो इस रेशो का कोई काम नहीं हो पाया एसेट ये हमें फायदा दे जाएगा अब देखिए करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइड है 50,

करंट एसेट है हमारे पास अस्सी हजार की स्टॉक हम निकाल चुके हैं तीस हजार का है तो क्विक एसेट हो गई पचास हजार कह रहे हैं जो डेटर है वो इसके फोर फिफ्थ है तो डेटर इसका मतलब चालीस हजार के हो गए फोर फिफ्थ ऑफ क्विक एसेट ठीक है क्विक एसेट का फोर फिफ्थ फोर फिफ्थ ऑफ द क्विक एसेट तो ये हमारे पास डेटर यहां पर आ गए फोर्टीन थाउजेंड के ठीक है जी अब जो बचा वो बैलेंसिंग फिगर बैंक कैश एंड बैंक बैलेंस हो गया अब क्वेश्चन कह रहा है इसमें रिसीवेबल के आगे सेल्स रिवील्ड अ पीरियड ऑफ मंथ तो कह रहे हैं कि दो महीने का हमारा क्रेडिट पीरियड है ओके जी अब आपका दो महीने का क्रेडिट पीरियड है तो डेटर कैसे निकलते हैं डेटर निकलते हैं सेल्स मल्टीप्लाई बाई टू बाई ट्वेल्व दो महीने के डेटर है और हमें पता है डेटर चालीस हजार के हैं तो यहां पर ट्वेल्व मल्टीप्लाई हो जाएगा और टू डिवाइड में हो जाएगा सेल्स इक्व टू दो लाख चालीस हजार रुपए हो जाएगी अब हमारे पास सेल आ गई बैलेंस शीट तो पूरी बन चुकी है हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो चुकी है अब पी एंड एल में हमें सेल मिल गई दो लाख चालीस हजार की सेल है ठीक है जी कह रहे हैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ यानी इक्विटी फंड 10 है और नेटवर्थ हमारी कितनी है नेटवर्थ है हमारे पास इक्विटी फंड एक लाख तीस हजार रुपए शेयर कैपिटल और अदर शेयर होल्डर फंड नेटवर्थ में दोनों जुड़े के तो इसका टेन परसेंट हमारे पास नेट प्रॉफिट है तो तेरह हजार रुपए हमारा नेट प्रॉफिट हो गया और जी ग्रॉस प्रॉफिट है सेल का पंद्रह परसेंट ठीक है जी तो सेल का पंद्रह परसेंट हो गया ग्रॉस प्रॉफिट बाकी हो गया सीओजीएस जो भी हमारे पास ये आगे ग्रॉस प्रॉफिट आगे नेट प्रॉफिट है हमारे पास तेरह हजार रुपए ठीक है अब हमारे पास एक डिवेंचर है पांच परसेंट बीस हजार का तो बीस हजार का पांच परसेंट इंटरेस्ट जाएगा एक हजार रुपए एक हजार इंटरेस्ट के आ गए आ गए इंटरेस्ट के एक हजार रुपए बाकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो अदर एक्सपेंसिव के नाम से अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस के नाम से आ जाएगी पी एंडल और बैलेंस शीट बनकर तैयार हो जाएगा तो ये फेमस क्वेश्चन है बहुत कभी भी आ सकता है। एक बीबी क्यू फोर्टी वन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है द फॉलोइंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल रेशियो ऑफ पी क्यू आर लिमिटेड रिलेट टू द दर्टी फर्स्टर ट्वेंटी टू ग्रोस प्रॉफिट सेल का पंद्रह परसेंट है नेट प्रॉफिट आठ परसेंट है रॉ मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट वेजेज ये दोनों वर्क कॉस्ट का ट्वेंटी और टेन परसेंट है तो रेशो के अंदर वर्क कॉस्ट और सीओ जी एस एक ही बात है इसके बाद में कह रहे हैं रॉ मटेरियल का स्टॉक तीन महीने का है फिनिश गुड्स का स्टॉक छह परसेंट है वर्क कॉस्ट का डेट कलेक्शन पीरियड साठ दिन का है फिक्स्ड एसेट का सेम से रेशो वन एस टू थ्री है करंट एसेट से रेशो थर्टीन इलेवन है करंट रेशो टू एस टू वन है ये सारे रेशो दे दिए यहां पर कह रहे हैं इफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स उंटेड टू ट्वेंटी सिक्स लैख छब्बीस लाख रुपए की फिक्स एसेट्स है तो ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा कह रहे हैं समराइज पी एंडल अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट भी बना दीजिए ठीक है जी तो हमारे पास फिक्स एसेट्स आ गए छब्बीस लाख यहाँ फिक्सड एसेट्स का सेल से रेशो है वन इंस टू थ्री तो सेल छब्बीस लाख मल्टीप्लाई बाई थ्री तीन गुना सेल हो गई हमारे पास सेवन एट लाख की आपकी सेल है फिर फिक्सड्स का करंट रेशो से रेशो है थर्टीन बाई इलेवन तो फिक्स्ड एसेट्स टू करंट एसेट इक्व टू थर्टीन बाई इलेवन एसेट से छब्बीस लाख थर्टीन डिवाइड में आ जाएगा इलेवन मल्टीप्लाई में आ जाएगा टू करंट एसेट्स तो हमारे पास छब्बीस लाख मल्टीप्लाई बाई इलेवन डिवाइड बाई थर्टीन ट्वेंटी टू लैख की हमारे पास करंट एसेट्स आ गए लो जी करंट एसेट भी आ गए हमारे पास ट्वेंटी टू लैख करंट रेशियो है टू करंट एसेट बाईस लाख है

सेल का 15% परसेंट ग्रोस प्रॉफिट है तो 15% परसेंट एट का ये हो गया इलेवन पॉइंट सेवन लैख और हमारे पास जो सीओ जी एस है वो हो गया सिक्सटी सिक्स पॉइंट थ्री लैख इसके बाद में क्वेश्चन कह रहे हैं नेट प्रॉफिट सेल का एट परसेंट है तो सेवनटी एट लैख का एट परसेंट सिक्स पॉइंट टू फोर लैख नेट प्रॉफिट आ गया रॉ मेटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है सीओ जी एस का बीस परसेंट ट तो है रॉ मेटीरियल और डायरेक्ट वेजिज है टेन परसेंट यह हो गई स्टॉक है फिनिश गुड्स का वो सिक्स परसेंट ऑफ वर्क कॉस्ट है तो ये हो गया सिक्स परसेंट थ्री लैख नाइंटी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड तो इस तरीके से सारी चीजें निकलती चली जाएंगी डेटर साठ दिन के सेवेंटी एट लैख की सेल साठ दिन के डेटर तीन सौ साठ दिन लेने को तो नहीं बोला नहीं बोला तो थ्री सिक्सटी हमारे सारी चीजें खुद ही निकलती चली जाएंगी तो आपके पास ये देखिए सेल आ गई सेवेंटी फिर करंट एसेट टू वर्क कॉस्ट आ गई सिक्सटी सिक्स थर्टी रॉ मेटीरियल थर्टीन ट्वेंटी डायरेक्ट वेजेस सिक्स सिक्सटी थ्री फिनिश गुड्स छह परसेंटेज का थ्री नाइनटी में रॉ मेटेरियल का स्टॉक थ्री मंथ्स का है तो रॉ रो मटीरियल थ्री बाई ट रॉ मटेरियल करंट लाइटी ग्यारह लाख आ गई लॉन्ग टर्म लोन उसके डबल थे करंट लाइटीज के बाईस लाख रुपए आ गए डेटर्स ट्वेल्व एटी टू वन नाइनटी टू आ गए सेल का सिक्सटी डेज का कैश बैलेंस आपके पास आ जाएगा जो टोटल करंट एसेट है टोटल करंट एसेट है बाईस लाख रुपए आपकी बाईस लाख रुपए में से आपके पास डेटर है आपके पास स्टॉक आ चुके हैं डेटर और स्टॉक को माइनस कर दीजिए कैश आ जाएगा आपके पास नेटवर्थ हमारे पास बड़ा सिंपल है टोटल लाइब्रिटीज और टोटल एसेट एक बराबर होती है टोटल एसेट हमारे पास आ चुकी है फिक्सड एसेट्स और करंट एसेट अड़तालीस लाख तो टोटल लाइब्रिटीज भी अड़तालीस लाख होंगी टोटल लाइब्रिटी में से आप जो लॉन्ग टर्म लोन है बाईस लाख का और ग्यारह लाख की करंट राइटीज हटा दीजिए आपके पास पंद्रह लाख के नेटवर्थ आ जाएगी फिर इस नेटवर्थ को इस नेटवर्थ को कैपिटल और रिजर्वेंट सरप्लस में वन इोर में बांट देंगे तो पंद्रह लाख को वन में बांटोगे तो तीन लाख की कैपिटल और बारह लाख के रिजर्व हो जाएंगे तो हमारे पास तीन लाख की कैपिटल बारह लाख के रिजर्व लॉन्ग टर्म लोन करंट आई ये पूरा हो गया फिक्सड एसेट्स रॉ मटेरियल फिनिश का स्टॉक डेटर कैश बैलेंस बैलेंसिंग फिगर ये आ गया सेल आ गई हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आ गया नेट प्रॉफिट आ गया यहां पर डायरेक्ट मेटेरियल डायरेक्ट वेजेज हम निकाल चुके हैं बैलेंसिंग बैलेंसिंग फिगर आ आ गया गया। बैलेंसिंग फिगर आ आ आ गए प्रॉफिट गया में एडमिन सेलिंग एक्सपेंस और इंटरेस्ट गया इस क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म लोन के आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया जैसे मान लो दस दे परसेंट दे देता तो दो लाख बीस हजार का हम इंटरेस्ट लिख देते हैं यहां पर तो रेट नहीं दिया हुआ तो एडमिन एक्सपेंस सेलिंग एक्सपेंस और यहां पर लिखा होना चाहिए एंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट भी तो जाएगा लोन पर

ंग इन्फॉर्मेशन बीन प्रोवाइडेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ लक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड फॉर दर एंडिंग थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थ्री वर्किंग कैपिटल फोर एटी है रिजर्व एंड सरप्लस थ्री ट्वेंटी है ये इतना आपको दिया हुआ है करंट रेशो दिया हुआ है टू पॉइंट फाइव देखो वर्किंग कैपिटल और करंट रेशो है तो सी ए और सीएल दोनों निकल जाएगा पहले मैं वो निकलवाता हूं आपको सी ए बाई सी एल इक्व टू टू पॉइंट फाइव

ये आ गई आठ लाख रुपए ठीक है जी अब मेरे पास करंट लाइबिलिटीज जा चुकी है करंट एसेट्स आ चुकी हैं करंट लाइबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट खुद दिया हुआ है ओके साथ में दिया है लिक्विड रेशो लिक्विड रेशो से स्टॉक आ जाएगा आपके पास सी ए माइनस स्टॉक डिवाइड बाई सी एल टू लिक्विड रेशो है वन, वन करंट एसेट है आठ लाख स्टॉक आपको नहीं मालूम स्टॉक करंट लाइव टी है 320 इक्वल टू है 1.5 ये सामने जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 लाख सामने जाकर माइनस हो जाएगा 1.5 320 तो माइनस का स्टॉक इक्वल टू ये 480 हो गया और 8 लाख रुपए सामने माइनस हो गए तो माइनस -8 लाख रुपए ये हो गया माइनस का 320 तो माइनस से माइनस कैंसिल स्टॉक हो गया 320 चलो जी स्टॉक भी निकल गया हमारे पास अब जरा देखिए बैलेंस शीट में स्टॉक थ्री ट्वेंटी है अदर करंट एसेट हो गई फोर एटी आठ लाख की हो गई करंट एसेट बैंक फॉरवर्ड ड्राफ्ट और बचे हुए क्रेडिटर हमने ले लिए थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड की हो गई हमारी करंट एसेट रिजर्व हमारे पास थ्री ट्वेंटी दिया हुआ है यहां तक की चीजें क्लियर है इसमें अब फिक्स एसेट्स और शेयर कैपिटल कैसे निकले इसके अंदर बच्चा फंस जाता है बाकी सब कुछ सिंपल है ये सारे काम हो गए ये सारे रेशो इस्तेमाल कर लिए मैंने सारी फिगर्स इस्तेमाल कर लिया है ओके okay. अब जरा देखिए अब एक रेशो बचेगा फिक्स्ड एसेट टू प्रोपराइटरी रेशो इसी के ऊपर पूरी कहानी पेस्ट है देखेगा फिक्स्ड एसेट टू प्रोपराइटरी रेशो यानी कि फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय प्रोपराइटर फंड 0.75 है प्रोपराइटर फंड यानी शेयर होल्डर फंड अब देखिए फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय प्रोपराइटर फंड यानी शेयर होल्डर फंड इक्वल टू पॉइंट तो फिक्स्ड एसेट्स इक्वल्स टू पॉइंट सेवन फाइव प्रोपराइटर फंड की होगी तो सोचेगा फॉर्मूला अपनाना है क्वेश्चन अटकेगा टोटल लाइबिलिटीज और टोटल एसेट्स एक दूसरे के बराबर होती है ओके लाइबिलिटीज में क्या आएगा प्रोपराइटर्स का पैसा इस क्वेश्चन में लोन नहीं होता तो लोन नहीं है तो डेट नहीं है

अब मुझे बताइए फिक्स्ड एसेट्स प्रोपराइटर फंड का कितना हिस्सा है अभी आपने निकाला था फिक्स्ड एसेट प्रोपराइटर फंड का पॉइंट सेवन फाइव है ये पॉइंट सेवन फाइव प्रोपराइटर फंड है ये सामने जाकर माइनस होगा तो वर्किंग कैपिटल इक्व टू पॉइंट टू फाइव ऑफ प्रोपराइटर फंड आ जाएगा और हमें पता है वर्किंग कैपिटल है चार लाख अस्सी हजार रुपए पॉइंट टू फाइव से डिवाइड करेंगे इसको प्रोपराइटर फंड आपके पास निकलकर आ जाएगा तो चार लाख अस्सी हजार डिवाइड बाई पॉइंट टू फाइव चार अस्सी काउजेंड तो हमारे पास फिक्स एसेट्स निकल जाएगी फोर्टीन लैख फोर्टी थाउजेंड प्रोपराइटर फंड का पैसा है उन्नीस लाख बीस हजार उन्नीस लाख बीस हजार जिसमें से तीन के रिजर्व में सोलह लाख रुपए के शेयर कैपिटल आपके पास आ जाएगी तो ये जो हमें भी पूरी वर्किंग है ना जो इतनी लंबी चौड़ी करी है कि भी ऐसे ऐसे किसोगे यहां पर करना है इसका सिंपल सा मैं आपको तो तरीका बताता हूं। आप लोग क्या करना इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है आप सीधे क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल ट्रिक है शॉर्टकट में करते हैं देखो बाकी सब कुछ हम निकाल चुके हैं अब फिक्स्ड एसेट्स प्रोपराइटर फंड का 0.75 है तो आप सीधे लिखना फिक्स्ड एसेट्स इक्वल्स टू 0.75 ऑफ प्रोपराइटर फंड जब प्रोपराइटर फंड का फिक्स्ड एसेट 75 परसेंट हिस्सा है तो वर्किंग कैपिटल 25 परसेंट हिस्सा होगा सिर्फ ऐसे लिखना सीधे एक ही लाइन में और वर्किंग कैपिटल ले चार लाख अस्सी हजार पॉइंट टू फाइव ऑफ प्रोपराइटर फंड बस प्रोपराइटर फंड आ जाएगा और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा तो अगर आपको शॉर्टकट में करना है तो सीधे लिखिए फिक्स एसेट पॉइंट सेवन फाइव है प्रोपराइटर फंड का तो आपके पास वर्किंग कैपिटल पॉइंट टू फाइव हो जाएगी और इसको सोल्व कर लीजिए अगर आप इस चीज को भूल जाए तो एक चीज ध्यान रखना कि नमित सर ने एक बात बोली थी कि टोटल लाइब्रेटीज और एसेट को एक साथ सामने रख लो कुछ खुद सॉल्व हो जाएगा पूरा क्वेश्चन तो ये बहुत फेमस है पांच नंबर में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कभी भी आपको मिल सकता है हो सकता है आपके अटेम्प्ट में भी यही आए इसके बाद में हमारे पास एक क्वेश्चन है विंडो ड्रेसिंग का विंडो ड्रेसिंग का क्वेश्चन आपका आरटीपी में एम में सब जगह आता रहता है अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया ये किसी भी दिन एग्जाम में पूछ लेगा विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि हर कंपनी क्या करती है जैसे थर्टी फर्स्ट मार्च है तो थर्टी फर्स्ट मार्च के आसपास ना वो अपनी कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन करती है जिससे उसके रेशो अच्छे हो जाए जैसे मान लो क्रेडिटर बहुत ज्यादा है तो क्रेडिटर बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब करंट आईटी बहुत ज्यादा है तो वो क्या करते हैं क्रेडिटर्स को एकदम से पे ऑफ कर देते हैं जिससे उनका रेशो अच्छा दिखने लग जाए या फिर करंट एसेट्स को बढ़ा देंगे जिससे उनका रेशो अच्छा दिखने लग जाए तो ऑडिटर्स क्या करते हैं वो चेक करते हैं पूरे साल में तो तुम्हारे बीस लाख के क्रेडिटर थे लास्ट में तुम्हारे क्रेडिटर दस लाख रह गए ऐसा कैसे हो गया

डेटा दिया गया है फिर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है और क्वेश्चन ने कहा है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन बैलेंस शीट यानी जो बैलेंस शीट में दिया गया है एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन तो बैलेंस शीट आपको जो रेशो निकालने हैं वो बैलेंस शीट और एडिशनल इंफॉर्मेशन दोनों को मर्ज करके निकालने हैं यू आर रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी ऑल वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द आंसर स्टडी मैट का क्वेश्चन है तो लिक्विडिटी के लिए करंट और लिक्विड रेशो निकाले इन्होंने अब जरा देखिए क्या क्या पॉइंट इन्होंने हमें बताया है सबसे पहला पॉइंट एडिशनल इंफॉर्मेशन का 75 फाइव परसेंट ऑफ इन्वेंट्री इन ए लिमिटेड सेलेबल एट कॉस्ट प्लस कह रहे हैं जो ए लिमिटेड का स्टॉक है ये है हमारे पास ए लिमिटेड ये बी लिमिटेड इसका स्टॉक दिया हुआ है जी स्टॉक स्टॉक किया गया तेईस लाख रुपए कह रहे हैं इसका जो स्टॉक है उसका 75 परसेंट हिस्सा बीस परसेंट प्रॉफिट पर बिकने वाला है तो इसके स्टॉक इस के दो टुकड़े करते हैं ट्वेंटी थ्री ,00, का पिछहत्तर परसेंट सत्रह लाख पच्चीस हजार का स्टॉक बिकने वाला है बीस परसेंट प्रॉफिट पर तो ये बीस लाख सत्तर हजार में बिकने वाला है और पच्चीस परसेंट स्टॉक अदर स्टॉक हो गया तो जो स्टॉक बिकने वाला है वो हमारा लिक्विड एसेट बन जाता है क्योंकि ये तो डेटर या कैश में कन्वर्ट हो जाएगा तो डेटर और कैश दोनों से तो हम बीस लाख सत्तर हजार रुपए को लेंगे एसेट में। और फाइव लैक सेवेंटी फाइव थाउजेंड का स्टॉक नॉन लिक्विड एसेट में चला जाएगा कि वो लिक्विड नहीं है हमारे पास फिर सेकेंड पॉइंटी परसेंट डेटर्स ऑफ बी लिमिटेड आर ड्यू फ्रॉम सी लिमिटेड विच इज

इसका मतलब इसमें से आधे डेटर 850 तो डेटर्स हैं और आधे डेटर सी लिमिटेड वाले हैं 850 जो अब आपका इन्वेस्टमेंट बन जाएंगे क्योंकि ये आपको डिवेंचर दे देगी अपनी कंपनी के तो उसकी कंपनी के डिवेंचर हमारे लिए इन्वेस्टमेंट बन जाएंगे तो अब ये डेटर नहीं ओके थर्ड पॉइंट ये बैलेंस शीट और जो पॉइंट दिए हुए हैं उनके साथ पहले हमें मैनिकुलशन करनी है अमाउंट्स में फिर रेशो निकालने बी लिमिटेड है चालीस लाख डिविडेंड पंद्रह परसेंट तो छह लाख रुपए का डिविडेंट आपको दिखाना चाहिए तो यहाँ पर प्रपोज डिविडेंड ए ने तो दिखा रखा है बी ने नहीं दिखा रखा तो हम इसको भी कंसिडर करेंगे कि छह लाख का डिविडेंड दिखाना है इसके बाद में लास्ट पॉइंट एट दी इंड बी लिमिटेड सोल्ड इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग बी लिमिटेड ने एक लाख रुपए एक लाख बीस हजार का इन्वेस्टमेंट बेचाड सनरी पे कर दिया तो अगर ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वो चीजें हैं जो ऑडिटर की आंखों में खटक रही है यानी जिसपे ऑडिटर को शक है और ऑडिटर ने कहा है, मैं ये सारी मैनिकुलेशन मान के चल रहा हूं इसको ठीक करके फिर रेशो निकालूंगा तो बी लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट बेचा एक लाख बीस हजार का और क्रेडिटर को रीपे कर दिया इसका मतलब जो ऑडिटर है उसको लग रहा है कि अभी जो हमारे क्रेडिटर है वो मैन्यूपलेटेड है अभी एक लाख बीस हजार की उनको पेमेंट हुई है पूरे साल में क्रेडिटर ज्यादा थे तो ये क्या करेगा जो क्रेडिटर है वो चौदह लाख रुपए के दिख रहे हैं ये कब है जब उनको एक लाख बीस हजार दिए गए हैं तो ये कहेगा नहीं मैं इनको चौदह लाख रुपए नहीं मैं इनको मानूंगा पंद्रह लाख बीस हजार के क्योंकि एक बीस की पेमेंट करके तुमने मैन्यपुलेशन की है तो मैं तो नॉन मैन्यटेड फिगर लूंगा पंद्रह बीस अब हम लोगों ने ये जो ट्रांजेक्शन किए हैं इसके हिसाब से हम करंट एसेट और करंट आई टीज को लेंगे तो करंट एसेट्स एंड लिक्विड एसेट्स में करंट एसेट्स में स्टॉक का पिछहत्तर परसेंट बीस परसेंट प्रॉफिट जोड़कर लिक्विड एसेट में आ गया डेटर इसके आधे आ गए क्योंकि आधे डेटर तो फेल हो चुके हैं कैश एंड बैंक बैलेंस जो दिया हुआ है वो ठीक है ये आ गई लिक्विड एसेट अब इसमें नॉन लिक्विड एसेट यानी स्टॉक को जोड़ेंगे तो फाइव सेवेंटी फाइव का स्टॉक ए लिमिटेड का और बी लिमिटेड का पूरा स्टॉक नॉन लिक्विड है ये हमारे पास हो गए, टोटल करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज में डिविडेंड यहाँ पर भी आ जाएगा क्रेडिटर्स यहाँ पर बढ़ाकर आ जाएंगे और बाकी जो खर्चे जैसे लिखे हुए वैसे ही तो जिस जिस चीज के बारे में छेड़खानी की है उस उस चीज को हम चेंज कर देंगे बाकी सब कुछ सेम रहेगा अब हमारे पास हमें जैसे निकालना है करंट रेशो तो करंट एसेट डिवाइड बाई करंट राइटीज करंट एसेट डिवाइड बाई करंट राइव और जब हमें निकालना है लिक्विड रेशो तो लिक्विड एसेट डिवाइड बाई करंट लाइट लिक्विड एसेट डिवाइड बाई करंट लाइट दोनों का रेशो निकालेंगे करंट रेशो इसका 1.23 और इसका 2.17 है तो बी लिमिटेड की करंट रेशो की पोजीशन बहुत अच्छी है फिर लिक्विड रेशो इसका 1.009 है इसका 0.51 है तो लिक्विड रेशो में ए लिमिटेड की पोजीशन अच्छी है ये हमारे पास पूरा रेशो चैप्टर खत्म बहुत ही सिंपल है स्टडी मैट में और भी थोड़े बहुत क्वेश्चन है उनपे भी हाथ साफ कर लीजिएगा हर टाइप का एक एक क्वेश्चन इसमें कवर हो गया है जो एक एक टाइप का क्वेश्चन था वो कवर हो गया है अगर आप यही क्वेश्चन कर जाते हैं तो हर टाइप का क्वेश्चन इसमें इनकॉर्पोरेटेड है बैलेंस शीट बनाने वाला पी एंड एल बनाने वाला सारे क्वेश्चन कवर है अगर आप इतना कर जाओगे इनकी बार बार प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में इससे भी आपका का काम हो जाएगा मुझे बताइए मजा आ गया या नहीं आ गया सबसे पहले तो ये बता दो रेशो चैप्टर खत्म समाप्त कंप्लीट

तो मुझे लगता है कि आप लोगों को रेशो चैप्टर पूरा क्लियर हो गया होगा एकदम और सारे क्वेश्चन इन सारे क्वेश्चन को एक बार कर लीजिएगा जितने भी पॉइंट थे भाई टोटल एसेट फिकस एसेट हटा कर लेनी है शेयर होल्डर फंड इक्विटी फंड भी जो शेयर होल्डर फंड है उसे प्रोपराइटर फंड भी बोलते हैं उसे ऑनर्स फंड भी बोलते हैं और हमारे पास जो नेटवर्थ है और इक्विटी फंड है वो रेशो चैप्टर में यहाँ पर सेम माना जाएगा एक एक चीज सारी चीजें क्लियर है

आईसीआई ने तुम पे फोड़ा है बम वो बम तुम पे नहीं फोड़ा वो बम मुझ पे फोड़ा है पूछो कैसे फास्ट्रैक बैच चल रहा था फास्ट ट्रैक बैच में बच्चों ने ऐसी बैंड बजाई जल्दी करवाओ जल्दी करवाओ भाई साहब मैंने फास्ट ट्रैक बैच में लिटरली बता रहा हूं डेली की बारह बारह घंटे रिकॉर्डिंग करी है और रिकॉर्डिंग करते हुए सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है रिकॉर्डिंग करते हुए सबसे बड़ी बात होती है एनर्जी रहनी चाहिए अगर मेरी एनर्जी डाउन होगी बच्चा क्या खाक पड़ेगा फिर तो एक एक कंसेप्ट करवाना है एक एक चीज करवानी है तो फास्ट ट्रैक बैच की रिकॉर्डिंग चल रही थी बच्चों ने भाई साहब ऐसी बैंड बजाई मेरे को भाई साहब खाने का होश नहीं पीने का होश नहीं सुबह दोपहर शाम लगा पड़ा हूं रात को पांच पांच बजे तक रिकॉर्डिंग करिए और बच्चे क्लास दे दो क्लास दे दो अब उसके बाद में मेरे को ये था कि कोई बात नहीं पेपर तो जून में होने सबको यही लग रहा था आईसीआई ने बम फोड़ दिया कि पेपर मे में होंगे तो मैं गया उन्नीस तारीख को गोवा उन्नीस तारीख को मैंने बैच खत्म करे सारे मैं चला गया फैमिली के साथ गोवा उन्नीस तारीख को शाम को नोटिफिकेशन आ गया कि भैया पेपर तो मई में होंगे मैं बोला बे यार ये क्या हो गया क्योंकि बूस्टर बैच लगाना था अगर बूस्टर बैच अब मेरे पास फिर बूस्टर बैच के नोट्स बनाए अभी भी रात रात भर कोस्टिंग अभी नौ दस बजे फ्री होंगे यहाँ से कोस्टिंग के बूस्टर बैच पे लग जाऊंगा रात के चार पाँच बज जाएंगे उसे बनाते बनाते और कम से कम तीन चार दिन तो लगते ही मिनिमम तीन चार दिन से ऊपर ही लग जाते हैं बूस्टर बैच के नोट्स बनाने एक एक क्वेश्चन देखना है नया क्वेश्चन कौन सा है पुराना क्वेश्चन कौन सा है बहुत मेहनत का काम है तो उसमें पूरी बैठ बनी तो पेपर अगर जून में होते तो तो हम आराम से कर लेते लेकिन हमारे पास भैया पेपर हो गए इस बार मई में टाइम है बहुत कम ना मैं आपका टाइम खराब करना चाहता ना मैं ये चाहता कि आप आराम आराम से चलो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम करेंगे दस मिनट के बाद लेकिन करेंगे आज ही कोई दिक्कत नहीं है आराम से हो जाएगा आप बेफिक्र रहो मैं बैठा हुआ हूं आपको करवाने के लिए तो हम ले लेते हैं एक ब्रेक और जी ये हो रहे हैं सेवन फोर्टी सिक्स पंद्रह मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ये हो गया आठ बजे हम लोग मिलते हैं 8 पीएम पर कोस्ट ऑफ कैपिटल स्टार्ट करेंगे कोस्ट ऑफ कैपिटल छोटा है कोस्ट ऑफ कैपिटल छोटा है तो दिक्कत वाली बात नहीं है 嗯。<Okay. S 2> <laughs> 啊，好好、uh。韩进。

आ गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल बड़ा ही सिंपल चैप्टर है बहुत ही ज्यादा आसान एक बच्चा कह रहा है सर आप टाइम पे आ गए बेटा मैं कहीं जाता ही नहीं हूं मैं यहीं बैठा रहता हूं आराम से और देखता रहता हूं कुछ-कुछ कुछ-कुछ कि कुछ, बच्चे आराम से बस चाय-वाय पी लें हम तो बस पानी पी के काम चला रहे हैं और ये पानी भी सिर्फ पानी है इसमें कोई मिलावट नहीं किसी चीज की चलिए जी तो फिर कार्यक्रम शुरू किया जाए एक बच्चा कह रहा है सर कितनी बार एक चैप्टर को कम से कम पूरा करें। देखो अगर आप लिख के कर चुके हैं तो कैलकुलेटर पे करिए एक दो क्वेश्चन लिख के कर लो बाकी कैलकुलेटर पे करो जितनी बार कर सकते हो उतनी बार करो एग्जाम तक करना ही क्या है बस चैप्टर करते जाओ चैप्टर करते जाओ चैप्टर करते जाओ रिवीजन एक खत्म फिर दूसरा दूसरा खत्म फिर तीसरा और हो जाएगा एक बच्चा कह रहा है कि सर आप अपना सेटअप दिखा दीजिए कि भैया आपका सेटअप कैसा है बेटा यहाँ पेपर आ रहे हैं तुम सेटअप की बात कर रहे हो घर आ जाना पूरा सेटअप दिखा देंगे आपको एफ में कितने रिविजन करें जितने हो सकते हैं उतने करिए देखिए रिविजन की कोई डेफिनेशन नहीं होती जितने कर सकते हैं उतने करिए हाँ जी तो हम लोग कार्यक्रम शुरू करते हैं फिर से लाइकिंग रेशो बहुत कम चल रहा है वीडियो का वीडियो को लाइक करते रहिए जिससे हमें भी अच्छा लगे कि हाँ बच्चे पसंद कर रहे हैं वरना ऐसा लगता है इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं पर पसंद नहीं कर रहे एक बच्चा कह सर फास्ट ट्रैक में आपके जो सजेस्टेड डिवीजन है और बीबीक्यू है वो सफिशियंट है यस बिल्कुल है देखिएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है अगर मैं बात करूं कि आखिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसे के भी बोला जाता है इसे WACC भी बोला जाता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर मैं बात करूं कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है तो जैसे इक्विटी से आपने दस लाख रुपए मंगवाए हैं डेट से आपने बीस लाख रुपए मंगवाए हैं और प्रीफ्रेंस से आपने पंद्रह लाख रुपए मंगवाए हैं तो सबसे पहली चीज तीनों की आफ्टर टैक्स कॉस्ट लेनी होती है इसकी आफ्टर टैक्स कॉस्ट है पंद्रह परसेंट इसकी है सेवन परसेंट और इसकी है टेन परसेंट तो हमारे पास सिंपली अगर मैं कहूं कि के ओ निकालो या कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो तो बड़ी सिंपल है लाख के फंड पर परसेंट पेमेंट करनी है बीस लाख के फंड पर 7 पेमेंट करनी है और लाख के फंड फंड पर 10 पेमेंट करनी है। टोटल है टोटल एंड तो मेरे पास ऑफ कैपिटल कितनी आ गई? डिवाइडेड तो एग्जामिनर बेसिकली हमसे करवाएगा क्या वो हमसे के के, आर, के, के पी ये सब चीजें अलग-अलग सिचुएशन में उसके बाद हम कंबाइन करके वेटेड एवरेज निकाल देते हैं तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है आफ्टर टैक्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल फंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग है कॉस्ट ऑफ फंड कितनी है आफ्टर टैक्स इसके कॉम्पोनेंट हमारे पास रहेंगे डिेंचर से जो पैसा आता है डेट से जो पैसा आता है उसे हम के बोलते हैं प्रीफ्रेंस शेयर का के पी इक्विटी का के और फिर कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग का के हमें एक एक चीज निकालनी सीखनी है सबसे पहले हमें निकालना सीखना होता है के तो के की दो सिचुएशन है एक रिडीमेबल और एक रिडीमेबल इन बड़ा सिंपल होता है इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स करिए क्योंकि आफ्टर टैक्स चाहिए डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाई वन हंड्रेड यहां पर आई का मतलब अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है टैक्स रेट हो गया डी और नेट प्रोसीड हो गया हमारे पास इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंस ऑफ डिवेंचर कई बार क्वेश्चन कहता है कॉस्ट ऑफ करंट डेट बताइए तो कॉस्ट ऑफ करंट डेट बोलेगा तो हम यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस को लेकर चलेंगे अगर क्वेश्चन में फेस वैल्यू डिवेंचर की नेट प्रोसीड के बराबर हो यानी कि फेस वैल्यू है सौ रुपए और नेट प्रोसीड भी सौ रुपए है तो यहां पर आपके पास जो ऊपर इंटरेस्ट है वो फेस वैल्यू से लिंक है और नेट प्रोसीड फेस वैल्यू के बराबर है तो आप सिंपली रेट ऑफ इंटरेस्ट को आफ्टर टैक्स निकाल लीजिए आपके पास के डी निकलकर आ जाएगा इसके बाद में हमारे पास आते हैं रिडीमेबल डिवेंचर रिटेम्शन दो तरीके से हो सकती है लमसम में और इंस्टॉलमेंट में इंस्टॉलमेंट वाला हमारे पास नहीं है पर फिर भी मैं आपको बता दूंगा कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो लमसम में अगर आप रीपे करते हैं तो दो मेथड है एक है अप्रोक्सीमेशन मेथड जिसमें है आई वन माइनस टैक्स प्लस रिडेम्पन वैल्यू माइनस नेट प्रोसिड डिवाइडेड बाई एन डिनोमिनेटर में एवरेज वैल्यू ऑफ डिवेंचर आ जाएगी आई का मतलब अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आर वी रिडेम्पन वैल्यू एनपी नेट प्रोसिड और एन का मतलब लाइफ ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई वन हंड्रेड इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है स्टेडिमेट में जो कहता है इंटरेस्ट और इंटरेस्ट और आर माइनस डिवाइड बाई एन दोनों को आफ्टर टैक्स करो तो वो आई आरवी माइनस एन पी बाय बाई एन दोनों को आफ्टर टैक्स करता है लेकिन ये प्रीफर्ड नहीं है आईसीआई ने इसको कहीं भी यूज नहीं किया तो यही हमारे पास है, N, दूसरा हमारे पास आता है प्रेजेंट वैल्यू मैथड मेथड बेसिकली ये आई आर आर मेथड है कैपिटल बस्टिंग वाला तो इसके अंदर हम केटी निकालते हैं लोअर रेट एनपीवी लोअर लोअर माइनस रेट एच माइनस एल

सात परसेंट से ग्यारह परसेंट से एनपीवी निकाल लो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ जाएगा तो रेट लेने का तरीका में क्या रहेगा मेथड से पहले आप लोग रफ में कैलकुलेटर पे निकाल लो अप्रोक्सीमेशन से कितना रहे फिर एक रेट कम और एक रेट ज्यादा वाला आप लोग ले लेंगे ठीक है इसके बाद में अगर इंस्टॉलमेंट में रिडीम होने तो आई आर आर ही निकालना पड़ेगा इसका और कोई तरीका नहीं है आ जाइए जो देखते हैं हमारे पास के डी के लिए अगर इन है के टी इक्व टू आई वन माइनस टेक्स डिवाइड बाई एन पी मल्टीप्लाई और इसके अंदर आपके पास में अगर फेस वैल्यू नेट एंड एक बराबर है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई माइनस टैक्स अप्रोक्सीमेशन मेथड के अंदर आई वन माइनस टैक्स प्लस आर वी माइनस एनपी डिवाइड बाई एन डिवाइड बाई आर वी प्लस एनपी डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई विन हंड्रेड दूसरा वाला फॉर्मूला हम लेंगे नहीं और वाई डी एम मेथड से आपके पास आई आर आर निकाल दो आ जाएगा इंस्टॉलमेंट में आई आर आर से ही ये सोल्व हो सकता है इसके अलावा कई बार आपको दे देता है जीरो कूपन बॉन्ड जैसे आपसे कह दिया कि भाई एक बॉन्ड है जिसकी वैल्यू एक हजार इश्यू कर रहे हैं हम में। और ये चार साल होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो कैसे निकालते हैं कितने रुपए मिलेंगे आज कितने लगाए कितने साल बाद मिलेंगे माइनस वन तो वन थाउजेंड डिवाइड दो बार अंडर रूट दबा दिया माइनस वन कर दिया ये आगे मेरे पास पॉइंट जीरो सेवन टू सेवन यानी कि सेवन पॉइंट टू सेवन परसेंट निकल कर आ गया क्वेश्चन खत्म हो जाएगा अब हमारे पास दूसरा आता है प्रीफरेंस शेयर प्रीफरेंस शेयर में केपी निकालना है इसमें आफ्टर टैक्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आफ्टर टैक्स आइटम ही होता है तो इसके फॉर्मूले बिल्कुल सिंपल हैं जो डिवेंचर वाले फॉर्मूले हैं वही इसके फॉर्मूले हैं अगर इन रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर है तो केपी इक्वल्स टू प्रीफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नेट प्रोसिट मल्टीप्लाई बाय 100 वी फ्रेंच डिविडेंड को 1 माइनस टैक्स नहीं करना वो ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है और फेस वैल्यू और नेट प्रॉफिट एक बराबर हो तो केबी इक्वल्स टू रेट ऑफ पी डी आ जाएगा अब रीडिमेबल के अंदर लमसम और इंस्टॉलमेंट में हो सकता है इस लमसम के अंदर दो मेथड चलेंगे एक एप्रोक्सीमेशन और एक वाय टी एम एप्रोक्सीमेशन सिंपल है पीडी प्लस आरवी माइनस एनपी बाय एन डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100 और वाय टी एम में आईआरआर से लेंगे तो आईआरआर के लिए रेट कैसे निकालेंगे

फिर आता है हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए सबसे पहला पी जीरो और मल्टीप्लाई बाई वन हंड्रेड इसकी ये एडम्सन रहती है कि कोई ग्रोथ नहीं है यानी जितना डिविडेंड पहले दिया था उतना ही आगे भी देंगे डिविडेंड में कोई चेंज नहीं होता इसमें दूसरा है अर्निंग प्राइस अप्रोच इसमें ईपीएस डिवाइड बाय पी0 रखते हैं इसमें भी यही सोच है कि कोई ग्रोथ नहीं है तो डिविडेंड प्राइस अप्रोच और अर्निंग प्राइस अप्रोच ये मेथड देखने के लिए नहीं मिलते और कभी आ जाए तो ठीक है क्योंकि ग्रोथ मॉडल मिलेगा आपको ग्रोथ मॉडल और सीएपीएम यही दो मॉडल हैं जो एग्जाम में आपको नजर आएंगे ग्रोथ मॉडल कहता है कि d1 डिवाइडेड बाय p0 प्लस g ले लो और d1 का मतलब है यहां पर d0 1 प्लस ग्रोथ फिर दूसरा है सीएपीएम मॉडल सीएपीएम मॉडल कहता है केक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा फैक्टर रिटर्न मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न और ये हमारे पास के आ जाएगा एक आता है रियलाइज्रोच रियलाइज अप्रोच कहता है कि जो एक्चुअल रिटर्न शेयर होल्डर को पिछले सालों में मिली है उसे कैलकुलेट कर लो वही हमारा के बन जाएगा तो इसके अगर हम फॉर्मूले देखें तो डिविडेंड प्राइस में डी डिवाइड बाई बी जीरो मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड और ये एडम्शन है कि कोई ग्रोथ नहीं है डिविडेंड कांस्टेंट है उसमें कोई चेंज नहीं है अर्निंग प्राइस में अर्निंग डिवाइड बाई पी जीरो मल्टीप्लाई वन हंड्रेड ये एडमशन है कि कांस्टेंट ईपीएस है कोई ग्रोथ नहीं है ग्रोथ मॉडल कहता है डी वन डिवाइड बाई पी जीरो प्लस जी या फिर डी जीरो प्लस जी लीजिए डी वन की जगह डी जीरो वन प्लस जी हम ले सकते हैं यहां पर डी वन का मतलब है एक्सपेक्टेड डिविडेंड आने वाला डिविडेंड और पी जीरो का मतलब है करंट प्राइस ऑफ शेयर अब इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने फ्रेश शेयर इशू किया है इक्विटी शेयर तो जैसे डी वन डिवाइड बाई पी जीरो लेना है तो पी जीरो की जगह नेट प्रोसीड लेंगे तो नए शेयर के केस में हम नेट प्रोसीड लेते हैं पी जीरो की जगह पर और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपके पास मान लीजिए फ्लोटेशन कॉस्ट दी हुई है तो हम लेंगे डी वन डिवाइडेड बाई पी जीरो माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट जैसे चौबीस रुपए का शेयर है मार्केट में आज चार रुपए फ्लोटेशन कॉस्ट है तो हम लेंगे डी वन डिवाइड बाई ट्वेंटी फोर माइनस फोर प्लस जी जो भी ग्रोथ है आपकी वो आ जाएगी ओके तो अगर नया शेयर है तो हम लेते हैं नेट प्रोसीड अगर फ्लोटेशन कॉस्ट दी हुई है तो लेते हैं पी जीरो माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट और अगर ना नया शेयर है ना फ्लोटेशन कॉस्ट है तो सिंपली पी जीरो लेकर हमें क्वेश्चन करना होता है अगर क्वेश्चन में ना बताया जाए कि फ्लोटेशन कॉस्ट किस चीज़ से लिंक है जैसे बोल दिया फ्लोटेशन कॉस्ट दो परसेंट तीन परसेंट चार परसेंट है तो फिर हमें फेस वैल्यू और इशू प्राइस जो भी हायर होता है उसके बेसिस पे निकालना होता है तो जो भी हायर प्राइस है उस पर फ्लोटेशन कॉस्ट लिंक करेंगे वैसे क्वेश्चन आपको बताता है फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है अब ये जो हमारे पास प्रीफ्रेंस शेयर है ये जो हमारे पास डेट है और ये जो हमारे पास इक्विटी है ये तीनों के तीनों एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट और डिविडेंट होने चाहिए यानी जैसे डिवेंचर का प्राइस है और इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है तो आपको उसमें से इंटरेस्ट का पोर्शन हटाना पड़ेगा ऐसा एक ही बार क्वेश्चन आया है तो जैसे एक सौ पांच रुपए का आपका डिवेंचर है एक सौ पांच रुपए का जिसमें दो रुपए इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है तो हम एक सौ पांच नहीं एक सौ तीन रुपए लेंगे इंटरेस्ट को हटा देंगे ऐसे ही प्रीफरेंस शेयर्स में से प्रीफरेंस डिविडेंड हटा हुआ होना चाहिए

तो ये प्राइस एक्स डिविडेंड प्राइस होना चाहिए इक्विटी शेयर का प्रिफरेंस शेयर का प्राइस एक्स डिविडेंड प्राइस होना चाहिए और डिवेंचर का प्राइस एक्स इंटरेस्ट प्राइस होना चाहिए ठीक है अब हमारे पास एक आता है ग्रोथ क्या आखिर ग्रोथ कैसे निकालें तो ग्रोथ के दो तरीके हैं एक तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट निकालते हैं वही तो जैसे मान लो आज से दस साल पहले हमने पांच का डिविडेंड दिया था और अभी हम पच्चीस रुपए का डिविडेंड दे रहे हैं तो दस साल पहले दिया था पांच रुपए आज पच्चीस रुपए दे रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए ग्रोथ आ जाएगा दूसरा तरीका रहता है कि एग्जामिनर ईयर्स का डेटा दे दे जैसे पिछले साल आपने डिविडेंट दिया था दो में आपने डिविडेंट दिया बाईस में दस रुपए में आपने डिविडेंट दिया ग्यारह रुपए तो बस ईयर से ईयर कंपेयर कर लो बताइए दस से ग्यारह रुपए हो गया कितनी ग्रोथ हो गई दस परसेंट तो ग्रोथ आपकी टेन परसेंट आ जाएगी तो ईयर्स का डेटा दिया हुआ है तो ईयर से ईयर कंपेयर कर लो कि एक साल में कितना बढ़ा उतना ही आगे भी बढ़ेगा और अगर आपको ईयर्स का डेटा नहीं दिया हुआ जैसे बोल दिया कि दस साल पहले इतना दिया था और आज इतना दे रहे हैं तो फिर ईयर वाइज आपको निकालना पड़ेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट लग जाएगा एक हमारे पास आता है गोल्डन मॉडल जो डिविडेंड डिसीजन के अंदर आएगा गोल्डन साहब कहते हैं कि ग्रोथ निकालने के लिए आप बी इंटू आर कर सकते हैं यहां पर बी का मतलब है कितने परसेंट अर्निंग को रिटेन कर रहे हो तो इक्विटी शेयर के, के केस में हम ना सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें ऐसा नहीं होता हम रिटेन भी कर सकते हैं जैसे चालीस परसेंट हमने रिटेन कर लिया ठीक है दूसरा आता है आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी है आर कितनी है तो मान लो आर ओ हमारी पंद्रह तो चालीस पैसा आपने बिजनेस में रोक लिया है रिटर्न ऑन इक्विटी पंद्रह है तो 15% आपको भी फोर्टी परसेंट पे एडिशन मिलेगा तो ग्रोथ रेट हो जाएगा 6% तो जब परसेंटेज से परसेंटेज ही मल्टीप्लाई करते हैं तो एक परसेंटेज के बटन को छोड़ देते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे कैलकुलेटर पर फोर्टी मल्टीप्लाई बाई फिफ्टीन परसेंट तो हमारे पास सिक्स परसेंट आंसर आ जाएगा तो ग्रोथ का एक रेट हमारे पास निकालने का तरीका रहेगा जी इक्व टू बी इन टू आर अब इनमें से कौन सा मेथड अप्लाई होगा ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा अगर क्वेश्चन ने आपको बी और आर दे दिया जो डिविडेंट डिसीजन में तो देगा ही देगा डिविडेंट तो पर दूसरा तरीका नहीं देता तो वहां बी इंटू आर लग जाएगा और मान लीजिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर ये दे दिया पांच साल पहले इतना डिविडेंट था तो इतना डिविडेंट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे और आपके पास ग्रोथ रेट आ जाएगा एक हमारे पास है रियलाइज अप्रोच रियलाइज अप्रोच में दो मेथड है एक तो है आई मेथड तो आई मेथड में हम कई टू आई निकाल लेते हैं और दूसरा इसमें ज्योमेट्रिक मीन मेथड भी है ये ज्योमेट्रिक मीन कभी पूछा नहीं गया लेकिन इसका एक क्वेश्चन स्टडी मैट में दिया हुआ है और क्वेश्चन है है कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ज्योमेट्रिक मीन के अंदर के निकालने का तरीका होता है वन प्लस वाई वन, वाई जितने ईयर्स हैं उनको वन प्लस वाई वन, वाई 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 फोर, ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और लास्ट में माइनस वन कर देंगे और यहाँ पे ईयर्स की कैलकुलेशन लिख देंगे तो ईयर्स हो गया नंबर ऑफ इस अब वन प्लस वाई वन निकालना है तो हम क्या करेंगे डी वन पी वन डिवाइड बाई पी जीरो साल का अब दूसरे साल का निकालना है 1 Y2. तो इसमें हो जाएगा डी थ्री पी थ्री डिवाइड बाई पी टू तो डिनोमिनेटर तो में पिछले ईयर का प्राइस आता रहेगा और न्यूमिनेटर में आने वाला डिविडेंड और आने वाला प्राइस आता रहेगा ये तभी पॉसिबल है जब आपको हर साल का मार्केट प्राइस दिया जाएगा तो हर साल का अलग-अलग मार्केट प्राइस P1 P2 P3 सब अवेलेबल होना चाहिए तो इसका भी क्वेश्चन देखेंगे फिर आता है एक हमारे पास CAPM मॉडल CAPM मॉडल सिंपल है रिस्क फ्री रिटर्न बीटा फैक्टर मल्टीप्लाई बाय रिस्क रिटर्न मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न ये रिटर्न मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न को हम रिस्क प्रीमियम के नाम से भी बोलते हैं तो अगर क्वेश्चन ने बोल दिया रिस्क प्रीमियम 5% है तो इसका मतलब आरएम माइनस आर एफ की वैल्यू पांच परसेंट है फिर हमें अलग से नहीं निकालना आर एम माइनस आर एफ की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाती है फिर आपके पास आती है कॉस्ट कॉस्ट ऑफ ऑफ रिटेन रिटेन अर्निंग अर्निंग बिल्कुल सिंपल है है -E और -E एक बराबर होता ठीक है।, है कई बार क्वेश्चन क्या करेगा अब तो स्टडीमेट में है नहीं ऐसा नए में लेकिन पहले स्टडीमेट में ऐसा होता था कई बार पर्सनल टैक्स लिखा होता था तो पर्सनल टैक्स के अंदर हम क्या करते थे के आर माइनस पर्सनल टैक्स माइनस कर देते थे अगर क्वेश्चन में हो तो अब करीब पांच साल से गायब है ये चीज लेकिन फिर भी दोबारा ऐसी तो पर्सनल पर्सनल टैक्स टैक्स हो तो तो का रेट और लगा दीजिए तो जैसे मान लो के बीस परसेंट तो पर्सनल टैक्स नहीं है तो के आर और के दोनों एक बराबर बीस परसेंट हो जाएंगे अब मान लो के आर के साथ में पर्सनल टैक्स दे दिया के चालीस परसेंट का पर्सनल टैक्स है तो बीस परसेंट वन माइनस पर्सनल टैक्स लगा देंगे तो ये हमारे पास बारह परसेंट आ जाएगा के ई है बीस परसेंट के आर आएगा बारह परसेंट और एक हमारे पास के आर का पुराना फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है पर्सनल टैक्स भी होता है और फ्लोटेशन कॉस्ट भी होती है तो वैसे के आर के अंदर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती यहां पर इस फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर हमारा इन्वेस्टर कहीं पर पैसा लगाएगा तो वहां से जो उसको इनकम मिलेगी उस इनकम के ऊपर ब्रोकरेज वगैरह मान लीजिए तो ब्रोकरेज वगैरह कट कर आएगी इनकम तो इनकम ब्रोकरेज कट कर, कर आएगी उसको फ्लोटेशन कॉस्ट यहां पर बोला गया है तो यहां पर के पर्सनल टैक्स फ्लोटेशन कॉस्ट हो जाएगी आप मानकर चलिए कि आपको के मिलेगा या मैक्सिमम पर्सनल टैक्स वाला मिल सकता है ठीक है तो जब हमने जैसे मान लो के, के आर के डी के पी ये सब निकाल दिया सिंपल है आसान है इसमें कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन है अभी हर तरीके का क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है क्वेश्चन के साथ सिखा दूंगा आपको तो ये आपने एक बार निकाल लिया उसके बाद वेटेड एवरेज निकाल दीजिए अब वेटेड एवरेज के अंदर दो तरीके के वेट लिए जा सकते हैं एक लिया जा सकता है बुक वैल्यू वेट बुक वैल्यू वेट का मतलब मार्केट वैल्यू वेट बोला है मार्केट तो वैल्यू पे निकालो क्वेश्चन साइलेंट है तो बुक वैल्यू पे निकालिए अगर क्वेश्चन साइलेंट है बुक वैल्यू पे निकालिए बुक वैल्यू यानी बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी हुई है अब इसके अंदर एक पॉइंट ये रहता है कि जो रिजर्व है उसकी मार्केट वैल्यू नहीं होती तो जैसे मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल की मैं मान लेता हूँ बुक वैल्यू है इसकी है बीस लाख दस लाख रुपए रिटेन रर्निंग प्रीफरेंस शेयर है पंद्रह लाख और बीस लाख रुपए के डिवेंचर ये बुक वैल्यू आ गई अब मार्केट वैल्यू की अगर बात की जाए तो मार्केट वैल्यू सिर्फ इक्विटी की होती है रिजर्व की मार्केट वैल्यू नहीं देगा तो जैसे बोलती पचास लाख रिजर्व का कहेगा जीरो है मार्केट वैल्यू और प्रीफरेंस और डिवेंचर में मान लेता हूँ पंद्रह और बीस ही तो अगर मार्केट वैल्यू के बेसिस पे निकालना है तो जो इक्विटी की मार्केट वैल्यू होगी उसे आपको स्प्लिट करना पड़ेगा इक्विटी और रिटेन अर्निंग के रेशो में तो जैसे 50 लाख है तो टू इज टू वन में आपको बांटना पड़ेगा तो आ जाएगा 33.33 थ्री पॉइंट का इक्विटी और 16.67 पॉइंट लैख का रिजर्व तो आपको इक्विटी और रिजर्व में स्प्लिट करना पड़ेगा अगर मार्केट वैल्यू दी जाएगी तो ओके मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को हम बुक वैल्यू के रेशो में इक्विटी और रिटेन अर्निंग में स्प्लिट करेंगे ये स्प्लिट तब करेंगे जब के और के का रेट अलग अलग हो अगर के ई और के आर का रेट एक बराबर है तो कोई जरूरत ही नहीं है वो भी क्वेश्चन में आएगा अभी उसे भी देखेंगे आप इसके बाद में एक पॉइंट मिलेगा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बड़ा सिंपल सा है जो भी नए फंड है उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं ठीक है अब ये चीज हम सीखेंगे सारी की सारी वन बाय वन क्वेश्चन के साथ आराम से क्वेश्चन देखते हैं इसमें सिर्फ सिंपल से फॉर्मुल हैं जो ऊपर पांच सात फॉर्मुले लिखे हुए हैं ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा सिंपल है देखिएगा कंपनी इशू टेन थाउजेंड फिफ्टीन परसेंट कन्वर्टेबल डिवेंचर ऑफ हंड्रेड इच तो सौ रुपए का एक डिवेंचर है मैच्योरिटी पीरियड ऑफ फाइव इन पांच साल बाद मेच्योर होगा एट मेच्योरिटी द डिवेंचर होल्डर विल हैव द ऑप्शन टू कन्वर्ट द डिवेंचर इन टू इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी इन रेशो वन इज टू टेन टेन शेयर फॉर इच डिवेंचर तो आज से पांच साल बाद डिवेंचर के पास होल्डर है डिवेंचर होल्डर पर ऑप्शन कि वो डिवेंचर के बदले में दस शेयर ले ले या फिर अपने पैसे लेके चला जाए तो ठीक है तो हमारे पास ऑप्शन वन क्या हुआ पांच साल के बाद कि आप सौ रुपए लो और वापस चले जाओ ऑप्शन टू क्या हुआ हमारे पास सेकंड ऑप्शन हुआ दस इक्विटी शेयर ले लो आप ओके जी ये दो ऑप्शन है हमारे पास कह रहे हैं करंट मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर है बारह एंड इसकी ग्रोथ रेट पांच पर एनम है तो आप ये बताइए हमारा शेयर आज से पांच साल बाद कितने का होगा दस शेयर देने हैं तो बारह रुपए का शेयर है पांच परसेंट ग्रोथ है पांच साल बाद कितने का होगा तो वन पॉइंट जीरो फाइव मल्टीप्लाई इंक्व दो साल तीन साल चार साल पांच साल मल्टीप्लाई बाई बारह रुपए एक शेयर पंद्रह रुपए बत्तीस पैसे के आसपास का होगा एक शेयर अब बताइए दस इक्विटी शेयर कितने के हो जाएंगे वन फिफ्टी थ्री पॉइंट टू जीरो के हमारे दस इक्विटी शेयर हो जाएंगे तो दो ऑप्शन है डिवेंचर होल्डर के पास कि वो चाहे तो सौ रुपए लेके चला जाए और चाहे तो दस इक्विटी शेयर अब मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन बेटर है दस शेयर वाला ऑप्शन बेटर है तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हम ये डिसाइड करेंगे कि रिडेम्पन वैल्यू क्या होगी सौ रुपए लेके जाएगा बंदा या शेयर्स लेके जाएगा तो शेयर्स लेके जाएगा तो यहां पर रिडेम्पन वैल्यू हो गई वन ठीक है तो आज कितने में इशू किया है सौ रुपए में पांच साल बाद कितने पैसे देंगे 153.20 देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है फिफ्टीन परसेंट टैक्स का रेट कितना है थर्टी फाइव परसेंट क्वेश्चन कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालो अब दो मेथड है हमारे पास मेथड और एग्जाम में अगर आपको ना बोला जाए कौन सा मेथड लगाना है तो अप्रोक्सीमेशन लगाकर आइए आसान होता है और सजेस्टेड भी उसी से आता है तो हमारे पास सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन मेथड पंद्रह रुपए का इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स आरवी माइनस एनपी आरवी कितना हो गया वन फिफ्टी थ्री रुपीज Redemption value में से net 100 किया 5. Denominator में average price approximation का आंसर आ गया यहीं पर खत्म हो गया लेकिन मान लो क्वेश्चन ने कह दिया वाई से करो तो वाई के अंदर आपको अब दो एनपीवी निकालने पड़ेंगे अब एनपीवी का रेट बताइए कैसे ले जैसे सिक्सटीन आ रहा है तो आप एक रेट ले लो फोर्टीन एक रेट ले लो आप एटीन परसेंट दो परसेंट कम दो परसेंट ज्यादा इस तरह से दो रेट आप कोई भी ले लीजिए इन्होंने लिया हुआ है पंद्रह और बीस तो आप फोर्टीन और एटीन ले सकते हैं रेट लेना आपकी मर्जी होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है सो रुपए चले गए ये कैश आउटफ्लो है उसके बाद में अगले पांच साल तक क्या होगा पंद्रह रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा टैक्स कितना है थ्री फाइव आफ्टर टैक्स कितना हो गया पंद्रह रुपए माइनस थर्टी फाइव परसेंट 9.75 का आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट मिलेगा ये इनफ्लो है तो पांच साल तक 9.75 आपको मिलेंगे और पांचवें साल पर वैल्यू 153.12 आपको मिल जाएगी तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आईआरआर निकाल दीजिए वही के डी परसेंट आपके पास आई आ जाएगा ओके बीबीक्यू 59 फिफ्टी ये बॉन्ड का क्वेश्चन है आर इज प्रपोजिंग टू सेल फाइव इन बॉन्ड ऑफ

प्लस उसको प्रिंसिपल भी वापस होगा और प्रिंसिपल अमाउंट कितनी वापस कर रहे हैं ये एक हजार रुपये एक हजार कैसे आया पांच हजार का बॉन्ड पांच साल की लाइफ है तो एक एक हजार रुपए पांच साल तक मिलते रहेंगे तो पहले साल इसको फोर्टीन हंड्रेड मिल जाएंगे अब दूसरे साल बॉन्ड की वैल्यू कितनी रहेगी चार हजार तो चार हजार पर आठ परसेंट इंटरेस्ट मिल जाएगा थ्री ट्वेंटी और एक हजार रुपये आपको बॉन्ड के वापस मिल जाएंगे वन थ्री टू जीरो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर तीन हजार पर परसेंट दो सौ चालीस दो हजार पर आठ परसेंट वन सिक्सटी और फिर एक हजार पर अस्सी रुपए आपको मिलते रहेंगे और एक एक हजार आपके पास बॉन्ड के आते जाएंगे हर तो आपके पास यहाँ पर, पर वन वन सिक्स जीरो और यहाँ पर वन जीरो एट जीरो इस तरह से वापस आ गया तो इन्वेस्टर को पहले साल फोर्टीन हंड्रेड दूसरे साल थर्टीन ट्वेंटी तीसरे साल ट्वेल्व फोर्टी फिर इलेवन सिक्सटी और एक हजार अस्सी रुपए मिल जाएंगे क्वेश्चन कह रहा है इसमें बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू बताओ इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसकी रिक्वायर्ड रिटर्न सिक्स परसेंट है तो तो अगर इन्वेस्टर की रिक्वायर्ड रिटर्न रिट है तो सिक्स परसेंट में डिस्काउंटिंग फैक्टर लेकर डिस्काउंटिंग फैक्टर एट सिक्स परसेंट लीजिए और इसको मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल दीजिए यहां पर बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू निकलकर आ जाएगी तो यहां पर हमने निकाली हुई हो कि फर्स्ट ईयर में आपके पास पैसे कितने कितने फोर्टीन हंड्रेड थर्टीन ट्वेंटी ट्वेल्व फोर्टी इलेवन सिक्सटी और टेन थाउजेंड एटी इनकी प्रेजेंट वैल्यू यहां पर निकाल दी गई सबका टोटल किया फाइव टू सिक्स टू बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्टर के लिए आ रही है अगर पूछा जाए कि बॉन्ड में कितना फायदा हो रहा है इन्वेस्टर को आज की डेट में तो पांच हजार रुपए का बॉन्ड है टू सिक्सटी टू पॉइंट सिक्स टू का इन्वेस्टर को आज की डेट में फायदा है इसके बाद में हमारे पास है रियलाइज अप्रोच वाले दो क्वेश्चन रिलेटेड कर दस परसेंट से सौ रुपए का डिविडेंड मिलता रहा ठीक है एट दिफ्तर शेयर एट इलेवन ट्वेंटी एट ग्यारह सौ अट्ठाईस रुपए में उन्होंने फिर बेच दिया. तो एक हजार में खरीदा पांच साल तक सौ रुपए मिलते रहे डिविडेंड के और पांच साल के एंड रुपए में बेच दिया कह रहे हैं आपको, है, तो है आपको रिटर्न अब इसके अंदर आई आर आर निकालना है तो दो रेट चाहिए तो रेट कैसे निकालेंगे बड़ा सिंपल है आप बताइए इनको कितने रुपए मिले हैं सो रुपए के हिसाब से डिविडेंड पांच साल तक इनको डिविडेंड मिल गया पांच सौ रुपए का ठीक है एक हजार का शेयर था ग्यारह सौ अट्ठाईस में बेचा है एक सौ रुपए का फायदा हो गया ये तो एक हजार का शेयर रुपए के हिसाब से रुपए का डिविडेंड मिल गया तो साठ पैसे हर साल ये कमा रहे हैं इन्वेस्टमेंट था एक हजार रुपये बताइए कितने परसेंट रिटर्न हो गई पॉइंट फाइव सिक्स परसेंट तो पहले हम इस तरह से रिटर्न निकाल देंगे पांच सौ रुपए का डिविडेंड मिल गया पांच साल में एक सौ अट्ठाईस रुपए और मिल गए पांच साल के अंदर तो एक साल की वन ट्वेंटी एक हजार का इन्वेस्टमेंट था परसेंट पर एन रिटर्न आ गई अब आप ट्वेल्व पॉइंट फाइव सिक्स से दो परसेंट कम ले लो दस परसेंट और दो परसेंट ज्यादा ले लो फोर्टीन परसेंट इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एनपीवी आपके पास आ जाएगा तो यहां पर इन्होंने इलेवन और थर्टीन दिया है आप टेन और फोर्टीन ले सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक रेट नहीं बता रहा एक पॉजिटिव एनपीवी एक नेगेटिव एनपीवी आईआरआर निकाल दिया ट्वेल्व पॉइंट जीरो के निकल कर आ गया ठीक है अब एक है ज्योमेट्रिक मीन वाला क्वेश्चन वो देखेगा ज्योमेट्रिक मीन वाला क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रियलाइज यील्ड अप्रोच निकालनी है देखो ये डी वन डिवाइड बाई पी जीरो प्लस जी डी जीरो सब तो सबको आते हैं निकालने लेकिन ये वाले जो छुपे हुए क्वेश्चन है ना आईसीआई इन्हीं से धक्का करवा देता है बच्चों को बच्चा इनको स्किप करके चले जाता है स्कीपेबल नहीं है अब जरा देखिए इन्होंने एक दो तीन चार पांच पांच साल का डेटा दिया हुआ है हमें ठीक है अगर हर साल का डेटा आपके पास अवेलेबल है यहां पर क्या था इस वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में शेयर का शुरू का प्राइस था पांच साल पहले का और आखिरी का प्राइस था तो आई निकाल दिया अब अगर हर साल की वैल्यू दी गई है तो ये ज्योमेट्रिक मीन से सोल्व होगा तो ज्योमेट्रिक मीन में अब हमारे पास पांच साल हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पर डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर का ठीक है प्राइस पर शेयर दिया हुआ है बिगनिंग तो बेसिकली ये डी वन है ये डी टू है ये डी थ्री है ये डी फोर है और ये डी फाइव है ठीक है ये पी जीरो है ये पी वन है ये पी टू है ये पी है और ये पी फोर है बिगनिंग दिया हुआ है अगर एट दी एंड होता प्राइस एट दी एंड तो ये नौ P1 होता ये 9.75 P2 होता तो बिगनिंग में है तो P0, P1, P2, P3, P4 आ गया अब जरा देखें, हमें सबसे पहले निकालना है वन प्लस वाई वन तो डी वन पी वन तो डी वन एक रुपए पी वन नाइन पॉइंट सेवन फाइव डिवाइडेड बाई पी ये हमारे पास आ गया वन पॉइंट वन नाइन फोर फोर अब वन प्लस वाई टू तो वाई टू निकालना है तो डी टू पी टू डिवाइडेड बाई पी वन तो D2 P2 टू डिवाइड बाई पी आ गया वन पॉइंट टू एट अब वन प्लस तो D3 P3 थ्री डिवाइडेड बाई पी तो D3 P3 थ्री डिवाइड बाई पी आ गया 1.06 अब इसके बाद में D4 P4 फोर डिवाइडेड बाई पी तो हमारे पास D4 P4 पी फोर डिवाइड बाई पी आ गया ये आपके पास आ गया निकल कर चार साल का निकल सकता है बस पांच साल का डेटा है तो चार साल का तो ही सॉल्व कर पाओगे अब इनको सबको मल्टीप्लाई कर लो एक दूसरे से दिस, 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 दिस और अंडर रूट में फोर रख दो तो, और माइनस वन तो जा देखे करके देखते हैं मल्टीप्लाई वाई वन पॉइंट जीरो सिक्स जीरो नाइन मल्टीप्लाई वाई वन पॉइंट जीरो सेवन सेवन टू जो भी वैल्यू आई दो बार अंडर रूट का बटन दब जाएगा माइनस वन वन .15 .15 आ गया तो 15 आपकी रिटर्न आ गई तो ये पांच नंबर में बनते हैं दोनों क्वेश्चन इनको करके जाइएगा ये छुपे हुए क्वेश्चन है बिल्कुल आ सकते हैं स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चन है आर में बैक टू बैक आते रहते हैं और कभी भी पूछा जा सकता है ठीक है तो ये जो इंडिविजुअल क्वेश्चन थे ये मैंने वो वाले क्वेश्चन रख लिया इसमें जो स्पेसिफिक इस क्वेश्चन है बिल्कुल सेपरेट टाइप के डिफरेंट अब हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब हमें निकालनी है तो उसके अंदर हर तरीके का के ई के डी के पी के आर सब कुछ आ जाएगा सारे क्वेश्चन में देखेगा बीबी क्यू टू कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ विकास लिमिटेड इज गिवन बिलो इन्होंने बुक वैल्यू दे दी और मार्केट वैल्यू दे दी आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी की है अट्ठारह परसेंट तो के अठारह परसेंट है रिटेन अर्निंग है पंद्रह परसेंट के आर पंद्रह परसेंट है प्रीफ्रेंस शेयर फोर्टीन परसेंट है डिवेंचर एट परसेंट है तो खुद ही इन्होंने सब हमारे पास है। कह रहे हैं निकालो पर पर। और ठीक है। तो ये हमारे पास बुक वैल्यू आ गई इसमें कोई दिक्कत नहीं होती चारों का नाम लिखा चारों की बुक वैल्यू लिखी चारों का वेट निकाला चारों की कॉस्ट हमें दी गई है जो आपकी स्पेसिफिक कॉस्ट थी अट्ठारह परसेंट पंद्रह परसेंट चौदह परसेंट आठ परसेंट उसको वेट से मल्टीप्लाई करते जाइए और आपके पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आंसर आ जाएगा इन चारों को हमने जोड़ा थ्री टू आ गया इसको हम टू परसेंट बोल सकते हैं अब ये कह रहा है मार्केट वैल्यू पे निकालो तो मार्केट वैल्यू डिवेंचर और प्रीफरेंस की तो आ जाएगी सेवन लैख सिक्स लैख इक्विटी की बीस लाख रुपए मार्केट वैल्यू दी और रिजर्व की जीरो सबसे पहले ये चेक करो कि के, के और के सेम है या अलग है तो के अठारह परसेंट और के आर है पंद्रह परसेंट अगर दोनों अठारह परसेंट होते फिर बांटने की जरूरत नहीं है क्योंकि बांटने के बाद भी दोनों एटीन परसेंट से मल्टीप्लाई होते तो अगर दोनों डिफरेंट होते हैं तभी बांटिए वरना एक साथ लिख देंगे तो अब दोनों अलग अलग है तो अब हमें टेन लैख और फाइव लैख यानी टू इज टू वन में बांटना पड़ेगा तो बीस लाख रुपए टेन बाई फिफ्टीन बीस लाख रुपए फाइव बाई फिफ्टीन तो इक्विटी की मार्केट वैल्यू हो गई सिक्सटीन थर्टीन लैग थर्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री और रिजर्व की वैल्यू हो गई सिक्सटी सिक्स सेवन तो ये हमारे पास थर्टीन थर्टी थ्री और सिक्स सेवन आ गए बस इनके वेट निकालिए मल्टीप्लाई करिए स्पेसिफिक कॉस्ट से कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई पॉइंट वन फोर सेवन थ्री यानी फोर्टीन पॉइंट सेवन थ्री आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलकर आ जाएगी इसके बाद में क्वेश्चन आ गया हमारे पास सिक्सटी थ्री ये एग्जाम में करीब एट टाइम्स आ चुका है और हर बार एग्जामिनर इसको पूछता रहता है अब कंपनी वॉन्ट्स टू रेज एडिशनल फाइनेंस फाइव करोड़ कंपनी को पांच करोड़ रुपए की जरूरत है ठीक है कंपनी एक्सपेक्ट द कंपनी एक्सपेक्ट टू रिटेन वन करोड़ इन नेक्स्ट ईयर एक करोड़ रूपए रिटेनिंग है अमाउंट विल बी रेज बाई इक्विटी एंड डेट इन थ्री टू वन तो ये पांच करोड़ रुपए थ्री टू वन के रेशो में हमें चाहिए इक्विटी और डेट इक्विटी से हमें चाहिए थ्री और डेट से हमें चाहिए वन अब बताइए कितने कितने रुपए चाहिए पांच करोड़ डिवाइड बाई फोर मल्टीप्लाई थ्री थ्री पॉइंट सेवन फाइव करोड़ हमें इक्विटी से चाहिए और वन पॉइंट टू फाइव करोड़ हमें डेट से चाहिए तो इक्विटी से जो फंड मंगवाया जाता है वो दो तरह से मंगवाया जाता है एक रिटेन अर्निंग और दूसरा फ्रेश इशू के इक्विटी शेयर इशू कर दो तो हमारे पास क्वेश्चन ने पहली लाइन में बोला है कि एक करोड़ की रिटर्न अर्निंग हमारे पास अवेलेबल है ये एक करोड़ की रिटर्न अर्निंग हमारे पास है तो बताइए कितना पैसा फ्रेश इशू से मंगवाना पड़ेगा 2.75 करोड़ ओके अब डेट की बात देखते हैं क्वेश्चन ने यहां पर बोला जो एडिशनल इशू ऑफ इक्विटी शेयर है उसका प्राइस ट्वेंटी होगा

12 लगेगा, ठीक है। कह रहे डिडेंट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट रेट ऑफ फाइव परसेंट जी हमारे है। क्वेश्चन है। सबसे पहले कह रहे हैं डिटरमाइन अमाउंट ऑफ इक्विटी एंड डेट फॉर रेजिंग एडिशनल फाइनेंस तो ये हमने डिटरमाइन कर दी थ्री पॉइंट सेवन फाइव करोड़ इक्विटी फंड से वन पॉइंट टू फाइव करोड से जिसमें एक करोड़ रिटेनिंग से टू पॉइंट सेवन फाइव फ्रेश इशूस आएगा और डेट में पिछहत्तर और पचास लाख आएंगे डेट की एवरेज कॉस्ट बताइए तो डेट की एवरेज कॉस्ट ये हो गया हमारे पास पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू हमें एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट निकालनी है एवरेज के डी तो बड़ा सिंपल है देखिए दस परसेंट का रेट है वन माइनस टैक्स पच्चीस परसेंट तो ये हो गया साढ़े सात परसेंट इनसे हम पिछहत्तर लाख रुपए मंगवा रहे हैं वन ट्वेंटी फाइव लैक में प्लस ट्वेल्व परसेंट का रेट आफ्टर टैक्स करेंगे हमेशा आफ्टर टैक्स करना है और इनसे हम पचास लाख मंगवा रहे हैं वन ट्वेंटी फाइव लैख में से अब निकाल दीजिए एवरेज कॉस्ट निकलकर आ गई फोर पॉइंट फाइव प्लस एट पॉइंट वन परसेंट तो हमारी एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट एट पॉइंट वन परसेंट हो गई दोनों का एवरेज निकाल दिया दोनों तरीके के लोन का फिर कह रहे हैं आप डिटरमाइन करिए रिटेन रिटेनिंग और कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो हमारे पास थर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी डी वन डिवाइड बाई पी जीरो प्लस जी डी वन क्वेश्चन ने दिया है दो रुपए मार्केट प्राइस ऑफ शेयर क्वेश्चन ने दिया हुआ है पच्चीस रुपए और ग्रोथ क्वेश्चन ने दिए पांच परसेंट पच्चीस रुपए और पांच परसेंट तो टू बाई ट्वेंटी फाइव एट परसेंट हो गया और पांच परसेंट और जोड़ दीजिए थर्टीन परसेंट अब के आर के आर इक्वस टू केक्वस टू थर्टीन परसेंट यह भी थर्टीन परसेंट से आ गया ठीक है।, है जी तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर पहले फंड कैसे रीच किया है? वो बता दिया फिर पोस्ट एट पॉइंट आ गया रिटर्न अर्निंग और के दोनों थर्टीन परसेंट आ गए अब लास्ट पॉइंट पूछता है ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट बता दो तो बड़ा सिंपल है ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ओ इक्व टू के ईड्लू जो इक्विटी से पैसा मंगवा रहे हैं के आर डब्ल्यू आर और के डी, टी डब्ल्यू तो हम इक्विटी से पैसा मंगवा रहे हैं फ्रेश इशू से 2.75 करोड़ और रिटेन अर्निंग से एक करोड़ 13 परसेंट का के ई है 2.75 करोड़ मंगवा रहे हैं आउट ऑफ 5 करोड़ के आर भी 13 परसेंट है इनसे एक करोड़ मंगवा रहे हैं आउट ऑफ 5 करोड़ आप चाहो तो दोनों को एक साथ ले सकते हो कि भाई थर्टीन परसेंट मंगवा रहे हैं थ्री पॉइंट सेवन फाइव करोड़ इक्विटी फंड से तो दोनों का रेट थर्टीन परसेंट तो दोनों को एक साथ ही लेकर किया जा सकता है और डेट का रेट आ गया एट पॉइंट करोड़ मंगवा रहे हैं आउट ऑफ फाइव करोड़ इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना है आप और के निकल कर आपके पास आ जाएगा तो ये हमारे पास के हो आ गया इलेवन पॉइंट सेवन एट आप चाहो स्टेटमेंट बनाकर भी कर सकते हो तो अगर आप स्टेटमेंट बना के करना चाहते हैं स्टेटमेंट बना के करिए आप इक्वेशन लिख के करना चाहते हैं इक्वेशन लिख के करिए नंबर एग्जाम में आपको बिल्कुल सेम टू सेम मिलेंगे ये क्वेश्चन बैक बैक टू पूछा जाता है एग्जाम में ओके okay. अब दो क्वेश्चन हैं जिनके बीच में बड़ी लड़ाई चलती है और बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर इसके अंदर हम करें तो क्या करें वो क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ लार्ज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी यूजिंग बुक वैल्यू वेट एंड मार्केट वैल्यू वेट ठीक है जी

इलेवन परसेंट इसका रेट है फोर परसेंट फ्लोटेशन कॉस्ट है दस साल इसका टेन्यूर है ओके okay. अब इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर लिखा हुआ है क्लियर क्लियर सेल सौ रुपए है इसको हमने सौ रुपये तो में से चार रुपए चले गए नाइनटी सिक्स हो गई नेट प्रोसीड रिडेन वैल्यू हो गई हमारे पास सौ रुपए ठीक है जी तो हमारे पास हंड्रेड माइनस नाइनटी सिक्स डिवाइड बाई टेन इंटरेस्ट फॉन माइनस टैक्स निकाल दिया के डी कर आ गया ओके okay जी अब प्रिफ्रेंस शेयर्स के लिए हंड्रेड रुपीज का प्रीफरेंस शेयर रिडीमेबल पार पर है तो रिडेम्शन वैल्यू सौ रुपए है बारह परसेंट डिविडेंट देना है पांच परसेंट फ्लोटेशन कॉस्ट है लाइफ दस साल है इसको भी हमने सौ रुपए में इशू किया था तो इसका भी इशू प्राइस सौ रुपए है नेट प्रोसीड आपके पास कितनी आ गई पांच परसेंट फ्लोटेशन कॉस्ट है तो नाइन्टी फाइव तो ये आ गया नाइन्टी फाइव सौ रुपए बारह रुपए का डिविडेंड सोल्व कर लिया ट्वेल्व पॉइंट एट टू आ गया इक्विटी शेयर की टू रुपीज फ्लोटेशन कॉस्ट है सेल प्राइस ट्वेंटी टू है सेल प्राइस के साथ में फ्लोटेशन कॉस्ट है तो 22 में से दो रुपए ग्रोथ हो गई सेवन परसेंट ठीक है ले तो लेंगे दो रुपए डिवाइड बाई बी रुपए प्लस ग्रोथ आ जाएगी दो रुपए डिवाइड बाई बी रुपए प्लस ग्रोथ के के ही आ गया इसी क्वेश्चन अंदर मैं आपको एक बात बताता हूं ये अप्रोक्सीमेशन मेथड का क्वेश्चन है तो एक पास्ट ईयर क्वेश्चन है और स्टडी मैट में भी है जिसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है अगर इस क्वेश्चन में सेल प्राइस ना दे यानी ये ना बताए कि हमने इशू कितने में किया था तो हमें अपने पास से एजम्शन लेनी पड़ती है तो एक पास्ट ईयर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन मेथड से किया गया है अगर क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन मेथड से किया जाता है तो एक एजम्पन हमारी रहेगी कि रिडेम्शन अगर पार पर है सौ रुपए पर है तो इशू प्राइस सौ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए अप्रोक्सीमेशन मेथड के अंदर ये रहती है अब जरा देखिए ऐसी सिचुएशन में जब हमें इशू प्राइस नहीं बताता तो हम मार्केट प्राइस को इशू प्राइस मान लेते थे अब एक सौ हम इशू प्राइस ले सकते हैं अगर सेल प्राइस ना दिया हो मैंने उसको काट दिया है तो अगर इशू प्राइस गायब है क्वेश्चन में तो हम मार्केट प्राइस को इशू प्राइस लेते हैं एक सौ दस रुपए आ रहे अब रिडीम हो रहा है सौ रुपए पर तो रिडीम सौ रुपए पर हो रहा है तो एक सौ दस में इशू नहीं मानेंगे हम ये मानेंगे कि भाई आज मैं, मैं आपको बोलूं कि आज दस रुपए दो मैं तुम्हें दस साल बाद सौ रुपए लोटाल दूंगा तो तुम कहोगे हम बेवकूफ थोड़ी थोड़िए सर आज आप मेरे को कह रहे हो कि सौ रुपए मतलब एक सौ दस रुपए दो और सौ रुपए दस साल के बाद ले लेना तो कोई भी इस बात के लिए एग्री नहीं करेगा तो एजेंशन ये रहती है कि अगर रिडेम्पशन पार पर है तो इशू प्राइस उससे कम या उसके बराबर हो सकता है बस तो रिडीम सौ पे हो रहा है तो इशू प्राइस भी सौ उससे कम होना चाहिए रिडेम्पशन वैल्यू से चेक करते हैं तो अगर सेल प्राइस नहीं भी दिया होता तो भी हम इशू प्राइस को सौ रुपए ही लेते तो आईसीआई ने क्या करा पहले ही सेल प्राइस गायब करा हुआ था वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है अब आईसीआई ने सेल प्राइस लिख दिया इसके आगे तो सेल प्राइस लिखने से पंगा खत्म हो गया ये अप्रोक्सीमेशन मेथड में चलता था अब अगर वाई टीएम मेथड से क्वेश्चन सोल्व करें तो मेथड में ऐसा कुछ नहीं सोचा जाता मान लो सेल प्राइस नहीं भी दिया हुआ सेल प्राइस नहीं लिखा हुआ तो अगर मेथड मेथड होता तो YTM के अंदर रिडीम सौ रुपए पर भी हो रहा है तो भी हम इशू एक सौ दस रुपए में मान लेते तो सिर्फ अप्रोक्सीमेशन मेथड पे चलती है तो ध्यान रखना है कि मेथड की एक है सिर्फ अप्रोक्सीमेशन की कि अगर इशू प्राइस नहीं दिया गया है तो भी रिडेम्पशन से ज्यादा इशू प्राइस नहीं लेना बस और बाकी सब जगह पे आप मार्केट प्राइस को इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है तो बस एक बार हमने सबका के ई के आर के डी निकाल लिया अब बुक वैल्यू से और मार्केट वैल्यू से निकाल दीजिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल कर आ जाएगा इसी के ऊपर सेम टू सेम है बीबी क्यू सिक्स सेम क्वेश्चन है बिल्कुल वो वाई टी एड से बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू वेट लेने डिवेंचर सो रुपये से प्रीफरें सौ रुपए से और इक्विटी दस रुपए से इनकी मार्केट वैल्यू यहां पर दे दी अब जरा देखिए क्या बोल रहा है सौ रुपए पर डिवेंचर है रिडीमेबल पार है तो रिडेमशन वैल्यू हो गई सौ रुपए टेन परसेंट का इंटरेस्ट है फोर परसेंट फ्लोटेशन कॉस्ट है दस साल की मेच्योरिटी है मार्केट प्राइस एक सौ पांच रुपए है तो हमारे पास इसने क्वेश्चन ने यहां पर बोला है कि वाई मेथड लगाना डिवेंचर और प्रिफरेंस शेयर के लिए तो के और केपी के लिए वाईटीएम मेथड लगेगा यहां पर तो अब हमारे पास मार्केट प्राइस पर डिवेंचर एक सौ पांच रुपए है तो यहां पर सिचुएशन देखिए हम 105 को ही इशू प्राइस मान लेंगे वाई में दिमाग नहीं लगाना चार परसेंट फ्लोटेशन कॉस्ट है तो 105 सौ पांच माइनस चार परसेंट सौ पॉइंट एट आपके पास नेट प्रोसीड आएगी रिडीम होगा सौ रुपए में तो आज की डेट में इन्वेस्टर की जेब से कितने जाएंगे हंड्रेड रिडीम कितने पर होगा सौ में कितने साल बाद दस साल बाद हर साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा टेन का इंटरेस्ट थर्टी परसेंट टैक्स कर थर्टी परसेंट टैक्स कट जाएगा दस रुपए में से तो सात रुपए मिलेंगे आपको इंटरेस्ट के तो यहां पर देखिए YTM से जो इसकी कैलकुलेशन है स्टार्टिंग में आपकी जेब से सौ रुपए अस्सी पैसे जाएंगे फिर अगले दस साल तक सात रुपए आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा और लास्ट में सौ रुपए रिटेम्पशन वैल्यू मिल जाएगी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एनपी लिया और के डी निकल कर आ गया सेम के पी के अंदर अब यह देखेगा केपी के अंदर 100 का शेयर है रिडीम पार पर हो रहा है। तो लास्ट में आपको सौ रुपए मिलेंगे पांच परसेंट का इसका रेट है डिविडेंड का तो पांच रुपए का डिविडेंड आपको मिलेगा दस साल तक दो परसेंट फ्लोटेशन कॉस्ट है और यहाँ पर मार्केट प्राइस प्रीफरेंस शेयर का एक सौ दस तो एक सौ दस रुपए में दो खर्च हुए यानी आपको आज की डेट में वन देने पड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आज की डेट में वन गए पांच रुपए मिलते रहेंगे अगले दस साल तक और लास्ट में सौ रुपए मिल जाएंगे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एनपीवी और आपके पास केपी निकलकर आ जाएगा ओके ये हमारे पास केपी था ओके केपी है ये ये वाला केपी है और इसके ऊपर वाला के है तो के आ गया सिक्स पॉइंट एट नाइन केपी आ गया फोर पॉइंट जीरो नाइन अब के इक्विटी शेयर चार रुपए फ्लोटेशन कॉस्ट है मार्केट प्राइस चौबीस है हम ट्वेंटी फोर माइनस फोर बीस रुपए लेंगे में। बस सिंपली अब आपके पास के डी के पी आ चुके हैं मार्केट वैल्यू वेट और बुक वैल्यू वेट लीजिए और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर आ जाएगा इसके बाद में हमारे पास बस एक दो क्वेश्चन बचे हुए कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बाकी खत्म है क्वेश्चन स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन है बीबी क्यू सिक्स ये आर में भी बहुत बार आ चुका है यह एग्जाम में भी एक बार पूछा जा चुका है और यह स्टडी मॉड्यूल के अंदर भी है इसमें ना सिर्फ एक लाइन में गड़बड़ है और एक लाइन नई नई चीज को सिखाने वाली है तो इसमें दो अच्छे पॉइंट हैं एक सीखने वाली चीज है और एक गड़बड़ी है वो दोनों चीजें मुझे दिखानी है यह क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज ही आपको एग्जाम में मिल जाएगा कॉपी पेस्ट क्वेश्चन देखते हैं डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ बेस्ट लिमिटेड यूजिंग बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू वेट बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू से निकालनी है ठीक है जी इक्विटी शेयर रिटेनिंग प्रीफरेंस शेयर इन सब की बुक वैल्यू दे दी मार्केट वैल्यू इनकी यहां पर दे दी तो वो स्प्लिट करनी पड़ेगी हमें रिजर्व में और इक्विटी में जैसे दो करोड़ रुपए तो दो करोड़ को हम 120 और 150 में बांट देंगे दो करोड़ को डिवाइडेड 150 120 इसकी आ जाएगी 160 लाख और इसकी आ जाएगी 40 लाख तो मार्केट वैल्यू वन सिक्सटी और फोर्टी लेकर आ जाएगी अब पॉइंट देखे, क्या क्या सबसे पहले कोटेड में, में एक्सचेंज पे रहा है एंड न्यू इशू प्राइस वन ट्वेंटी हमने नया इशू किया और हो गया। फ्लोटेशन कॉस्ट पांच रुपए ठीक है तो इसका मतलब हमारा इश्यू प्राइस एक सौ पच्चीस है फ्लोटेशन कॉस्ट पांच रुपए है तो वन ट्वेंटी साठ पैसे से आ गया। तो फोर्टीन पॉइंट हो गया दस रुपए साठ पैसे से पावर में फाइव माइनस वन डिविडेंट एट द करंट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू तो बी फिफ्टीन रुपीज एक्सपेक्टेड डिविडेंट हमारे पास पंद्रह रुपए आ गया तो हमारे पास सबसे पहले ग्रोथ निकाल लेंगे हम यहां पर माइनस वन आएगा ये आगे ग्रोथ सिक्स परसेंट ठीक है जी इसके बाद में के टू केन दिया हुआ है डिनोमिनेटर में एक सौ पच्चीस माइनस पांच के लिए ग्रोथ निकल गई एटीन पॉइंट फाइव परसेंट हमारे पास के ई निकल कर आ गया अब जब बात आती है के आर निकालने की तो के आर के अंदर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती वो होता है डी वन डिवाइड बाई पी जीरो प्लस जी के आर के लिए इशू एक्सपेंस कुछ नहीं होता तो यहां पर हमें पी जीरो लेना है तो इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक क्या है ये जो इशू प्राइस है ये नए शेयर का है लेकिन मार्केट में तो 130 में बिक रहा है ये एक सौ तीस में बिकरा एक सौ तीस रुपए आने चाहिए और फ्लोटेशन कॉस्ट पांच रुपए वो भी केई में से ही माइनस होगी रिटर्न टर्निंग को इशू करने में कोई खर्चा नहीं होता पर आईसीआई ने हर जगह इस वन की जगह वन लिखा है तो यहां पर यह एरर है कि इन्होंने ये जो कोटेड वन थर्टी रुपीज है इसको कंसिडर नहीं किया तो ये एरर है दिवाग दिवाग पी जीरो, तो पी जीरो यहां पर 125 नहीं, 130 है, 130 लेना चाहिए था तो ये एरर है और इस एरर के साथ ही क्वेश्चन आएगा ये चीज याद करके जानी पड़ेगी आपको ये मिस्टेक है और ये मिस्टेक आरटीपी एमटीपी सब जगह पर है स्टडी मॉड्यूल में भी इसका मतलब सजेस्टेड आंसर भी गलत आएगा तो ये एरर आपको याद करके जानी है कि डिनोमिनेटर में इस क्वेश्चन के अंदर आपको 125 ही लेना है क्वेश्चन आप देखते ही पहचान जाओगे के वही वाला क्वेश्चन है जिसमें कोटेड भी दिया हुआ है वो भी पहचान कैसे जाओगे इसके आगे एक और पॉइंट आने वाला है जो आपको याद दिला देगा इसको प्रीफरेंस शेयर के लिए कोई दिक्कत नहीं है प्रीफरेंस शेयर फिफ्टीन का है एक में बिका है तो पंद्रह रुपए डिविडेंट एक में बिका है मल्टीप्लाई वन ही आ गया 14.29 पॉइंट टू नाइन परसेंट इसमें कोई दिक्कत नहीं है आ गया अब जो है उसके लिए बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई ये सीखने लाएं वाली लाइन है द कंपनी प्रपोज टू इशू इलेवन ईयर्स एन हो गया ग्यारह साल फिफ्टीन परसेंट डिवेंचर तो सौ रुपए का डिवेंचर है तो पंद्रह रुपए का इंटरेस्ट होगा फिफ्टीन परसेंट डिवेंचर बट दिल्ड ऑन डिवेंचर ऑफ सिमिलर मेच्योरिटी एंड 16% फ्लोटेशन कॉस्टिज टू परसेंट इन्होंने कहा है कि हम जो है मार्केट के अंदर ऑफर कर रहे हैं डिवेंचर फिफ्टीन परसेंट वाला ठीक है और मार्केट में सेम टाइप के डिवेंचर सोलह परसेंट इंटरेस्ट दे रहे हैं अब एक बात बताइए अगर मार्केट में सोलह परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है तो कोई हमारा 15% परसेंट इंटरेस्ट के साथ डिवेंचर क्यों परचेज करेगा तो यहां पर जो इशू प्राइस निकाला जाता है उसका एक पैटर्न है। उसका बड़ा सिंपल सा पैटर्न है आप कितना दे रहे हो? हम पंद्रह परसेंट दे रहे हैं मार्केट में कितना है मार्केट में सिक्सटीन परसेंट है मल्टीप्लाई बाई वन हंड्रेड तो फिफ्टीन डिवाइड बाई 16% परसेंट यह आ गया नाइनटी थ्री पॉइंट सेवन फाइव तो आप अपने शेयर को 93.7 आप अपने डिवेंचर को 93.75 में ही इशू कर पाएंगे तो इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर निकालने का तरीका होता है जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट और मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखिए कि हम पंद्रह परसेंट दे रहे हैं इंटरेस्ट मार्केट में कितना चल रहा है सोलह परसेंट चल रहा है तो फिफ्टीन डिवाइड बाई सिक्सटीन मल्टीप्लाई वन हंड्रेड तो आपका डिवेंचर इसका मतलब लो ग्रेड है क्योंकि आप इंटरेस्ट कम दे रहे हो तो लो ग्रेड है तो कम में इशू होगा तो आपका इशू प्राइस नाइनटी थ्री पॉइंट सेवन फाइव रहेगा तो यहां पर डिवेंचर में इशू प्राइस नहीं दिया हुआ वो नाइनटी थ्री पॉइंट सेवन फाइव आएगा तो हमारे पास ग्यारह साल की इसकी लाइफ है पंद्रह परसेंट का इंटरेस्ट रेट हो गया सोलह परसेंट मार्केट में चल रहा है प्राइस निकाल लिया फ्लोटेशन कॉस्ट है तो फ्लोटेशन कॉस्ट टू परसेंट किस पर है नहीं दिया तो इशू प्राइस और फेस वैल्यू विच एवर इज हायर यहां पर इशू प्राइस नाइनटी थ्री है फेस वैल्यू सौ रुपए है तो सौ रुपए पर लग जाएगा दो रुपए आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट आ गई नेट प्रोसीड आपके पास 91.75 आएगी ये इसका सबसे बढ़िया पॉइंट है अब जो है देखिए टैक्स रेट 35 परसेंट है केडी डी आई वन माइनस टैक्स रिडेम्पशन सौ पेपर नेट प्रोसीड 91.75 आ गई इशू प्राइस कैसे निकाला 15 परसेंट हम दे रहे हैं मार्केट में 16 परसेंट मिल रहा है तो 93.75 पर इशू होगा दो खर्च हो गए नाइनटी हमारे पास नेट प्रोसीड आ गई ये हमारे पास के निकलकर आ गया ठीक है बस अब आपके पास बुक वैल्यू रखिए मार्केट वैल्यू रखिए और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को निकाल दीजिए तो इसका जो ये डिवेंचर वाला पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और गुड पॉइंट है और इसके ये जो वन थर्टी रुपीज है इसको के आर में नहीं लिया ये इसके अंदर गलती है ओके okay. अब हमारे पास एक क्वेश्चन है बीबी -बी क्यू सिक्स सेवन जो सारे ही बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है एग्जाम में तीन बार आ चुका है ये थ्री टाइम्स देखिए ABC लिमिटेड है फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर विच इज कंसीडर्ड टू बी ऑप्टिमम एट ऑन थर्टी मार्च 22. 14 फोर्टीन परसेंट डिवेंचर है हम पर 30,000 के 11 परसेंट प्रिफरेंस शेयर कैपिटल है 10,000 की इक्विटी शेयर कैपिटल 1,60,000 है 10,000 शेयर है ओके okay. तो हमारे पास टोटल पैसा कितना है 2 लाख रुपए इस 2 लाख रुपए में कितना कितना इनका वेट है कितना कितना रेशो है एट्टी परसेंट पैसा तो इक्विटी से आया है और पांच परसेंट पैसा प्रीफरेंस शेयर से और फिफ्टीन परसेंट पैसा डेट से आया है ये इनका वेट आ गया कि कितना कितना पैसा आप मंगवा रहे हो तो दो लाख में से तीस हजार रुपए परसेंट डेट ने दिए दस हजारेंस ने और इक्विटी ने एट्टी परसेंट पैसा दिया है ठीक है द कंपनी शेयर है ट्वेंटी थ्री पॉइंट सिक्स जीरो करंट मार्केट प्राइस है

तो पिछले दस साल का डिविडेंड दिया हुआ है और कह रहे हैं जैसा पास्ट में हुआ था ऐसे ही आगे भी चलता रहेगा तो हम पास्ट में देखें तो एक रुपए से बढ़कर एक रुपए दस पैसे हो गए तो मुझे बताइए ग्रोथ कितनी हो गई आपकी एक रुपए से एक रुपए दस पैसे तो यानी ग्रोथ आपकी टेन परसेंट चल रही है सारे के सारे इयर्स में सेम ग्रोथ मिलेगी आगे भी है ऐसे ही चलता रहेगा तो जी हमारे पास हो गया टेन परसेंट ठीक है जी कंपनी इशूड न्यू डिवेंचर्स

एक रुपए दस पैसे का डिविडेंड नौ रुपए बीस पैसे पर इशू किया है मल्टीप्लाई न्यू डेट निकालो निकाल दीजिए निकालो एज्यूमिंग न्यू इक्विटी फ्रॉम रिटेन लर्निंग देखो इक्विटी से जब भी पैसा मंगवाना होता है इक्विटी फंड से दो तरीके हैं मंगवाने के या तो फ्रेश इशू कर दो शेयर या फिर आप रिटेन डरिंग कर लो उनकी कमाई को रोक लो कमाई को रोक लिया तो फंड जनरेट हो गए तो कह रहे हैं ये मान के चलो कि जो न्यू इक्विटी है वो रिटेन डरिंग से आ रही है तो इनडायरेक्टली के आर जानना चाहते हैं तो के आर के एक ही होता है डी वन डिवाइड बाई पी जीरो प्लस जी तो डी वन है हमारे पास वन पॉइंट वन एट हमने निकाला था अभी पी जीरो है ट्वेंटी थ्री पॉइंट सिक्स और ग्रोथ हमने निकाली थी दस परसेंट आ रही है तो प्राइस आ गया 23.6 d1 आ गया 1.18 और ग्रोथ आ गई 10% ठीक है जी निकाल लीजिए इसको कितना आ गया ये 1.18 डिवाइड बाय 23.6 और ये 10 15% आ गई थी ठीक है तीनों हमारे पास निकल आए पहली रिक्वायरमेंट में कोई दिक्कत नहीं है पहली रिक्वायरमेंट आराम से बन जाती है 1.33 11.96 और 15% पहला काम हो गया अब दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन नोन न्यू शेयर वर इशूड हमने अभी कोई शेयर इशू नहीं किया यानी हम रिटेन डरिंग से ही काम चला रहे हैं तो बताइए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी होगी अब इन्होंने ये नहीं बताया कि पैसा किस रेशो में मंगवाएंगे तो इस सिचुएशन में हम ये मानते हैं कि जो वेट हमारे पास दिया हुआ है यानी डिवेंचर पंद्रह परसेंट प्रिफरेंस शेयर पांच परसेंट इक्विटी अस्सी परसेंट इनसे इतना इतना पैसा आएगा उसी रेशो में पैसा आएगा तो हमारे पास अब हम निकालेंगे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो हमारे पास एक तो हमने रिटेन डरिंग से पैसा मंगवाया एक हमने डेट से पैसा मंगवाया और एक हमने प्रीफरेंस शेयर से पैसा मंगवाया हमारे पास है परसेंट इनसे पैसा कितना मंगवाओगे सो में से अस्सी रुपए क्योंकि अस्सी परसेंट फंडिंग इक्विटी फंड से है तो इक्विटी फंड में इक्विटी का फ्रेश इशू भी है रिटेन लर्निंग भी है तो फ्रेश इशू नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं रिटेन लर्निंग से फंडिंग करो तो अस्सी परसेंट फंडिंग के थ्रू है रिटेन लर्निंग के फॉर्म में के टी आ गया एट पॉइंट थ्री थ्री परसेंट ये सौ में से पंद्रह रुपए फंडिंग करते हैं और केपी आ आगे इलेवन पॉइंट पांच रुपए की फंडिंग करते हैं सौ रुपए में से तो हर सौ रुपए में से अस्सी रुपए इक्विटी फंड से पंद्रह रुपए डिवेंचर से और पांच रुपए प्रिफरेंस शेयर से आते हैं तो इनकी आपके पास कैलकुलेशन आ जाएगी कि भाई मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है तो पंद्रह फंडिंग डेट से पांच परसेंट से और एटी इक्विटी से आ गई 13.85% हमारे पास निकलकर आ गया तो सेकंड पॉइंट में भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है थर्ड <coughs> पॉइंट समझने में बच्चों कई बार दिक्कत होती है डिटरमाइन अमाउंट दैट कैन बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर मस्ट बी सोल्ड कह रहे हैं अगर हम नया शेयर इश्यू ना करें तो हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं अच्छा जी

ग्यारह हजार आठ सौ रुपए आपके पास रिटेन अर्निंग के पड़े हुए हैं अब क्वेश्चन कह रहा है कि हम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिना इक्विटी शेयर इशू किए कोई बात नहीं इक्विटी शेयर आपको इशू नहीं करना मत करिए ये देखिए हम जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें इक्विटी फंड से डेट से और प्रीफरेंस से तीनों से पैसा आएगा पांच परसेंट शेयर देंगे पंद्रह परसेंट डेट देंगे 80 परसेंट इक्विटी फंड देंगे पीछे से की। तो इसका मतलब इक्विटी फंड के पास ग्यारह हजार आठ सौ रुपए बिना शेयर इशू करे हुए पड़े हैं। तो ग्यारह हजार आठ सौ लगाएगा जो इन्वेस्टमेंट का एटी परसेंट है तो बताइए इन्वेस्टमेंट कितना हो पाएगा ग्यारह हजार आठ सौ की बैकअप है फंडिंग एटी परसेंट तो हम फोर्टीन थाउजेंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस में परसेंट प्रिफरेंस और एटी परसेंट इक्विटी से आ जाएगा तो कंपनी फोर्टीन थाउजेंड सेवन की इन्वेस्टमेंट कर सकती है इक्विटी शेयर इशू किए बिना लास्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट हमारे पास है ट तो करना होगा कोई दिक्कत नहीं है फंडिंग चाहिए तो प्रीफ्रेंस पांच परसेंट दे देंगे डेट पंद्रह परसेंट दे देंगे लेकिन इक्विटी फंड में रिटेन अर्निंग एग्जॉस्ट हो जाएगी ये तो खत्म हो गई अब हमें फ्रेश इशू ही करना पड़ेगा तो अब हमें पैसा फ्रेश इशू से मंगवाना पड़ेगा तो अगर आप थर्ड पॉइंट की अमाउंट को खत्म कर चुके हैं उससे ज्यादा आपको फंडिंग करनी है तो ऐसी सिचुएशन में नया शेयर इशू करिए क्वेश्चन ने आगे बता भी दिया एज्यूमिंग न्यू इक्विटी इज इशूड एट ट्वेंटी पर शेयर कह रहे हैं नया शेयर अगर बीस रुपए में इशू हो तो, तो हमारे पास कह रहे हैं एम निकालिए अब हमारे पास जो एमसीसी आएगी वो के ईडब्ल्यू के डी डब्ल्यू डी और के पी डब्ल्यू पी आएगी तो हमारे पास के टी डब्ल्यू डी में आपके पास आ गया एट पॉइंट थ्री थ्री परसेंट का रेट पंद्रह रुपए देते हैं हर सौ रुपए में से केपी हमारे पास इलेवन पॉइंट नाइन सिक्स पांच रुपए देते हैं हर सौ रुपए में से और इक्विटी से आते हैं सौ रुपए में से अस्सी रुपए और इक्विटीए डी वन डिवाइड बाई नेट प्रोसीड प्लस जी आएगा डी वन है बीस रुपए में नया शेयर इशू हो रहा है ग्रोथ है दस परसेंट तो वन पॉइंट वन एट डिवाइडेड बाई 20 रुपए का शेयर प्लस दस परसेंट फिफ्टीन पॉइंट नाइन परसेंट पर केई निकल कर आएगा फिफ्टीन पॉइंट नाइन परसेंट तो अब हमें नया केई इशू करना पड़ेगा इस सिचुएशन में तो फिफ्टीन पर इशू होगा डेट से फिफ्टीन परसेंट पैसा प्रिफरेंस से पांच परसेंट इक्विटी से 80 परसेंट पैसा मंगवाएंगे 14.57 परसेंट

दोनों चैप्टर के क्वेश्चन खत्म करो कल सुबह दस बजे फिर हम दूसरे चैप्टर्स करेंगे कल पूरी एफ एम खत्म हो जाएगी जी मुझे बताया हर चीज हर क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सब कुछ याद आ गया या नहीं ए टू जेड सारी चीज रिकॉल हो रही है या नहीं हो रही जल्दी से बताइए सारी चीज रिकॉल हो रही है ए टू जेड जितना भी रिवाइज करना था वो सारी चीजें याद आती जा रही हैं मैं आपको बता रहा हूं ये रिविजन आप खुद से करते तो आपको आठ से दस दिन लगते यहां पे मैं तीन दिन में पूरा खत्म करवाऊंगा और क्वेश्चन लिख कर कर सकते हो आप हा जी ए टू जेड सारी चीज क्लियर है किसी को भी किसी चीज में कोई भी डाउट है तो पीछे से जाकर दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी मॉड्यूल और बूस्टर सफिशियंट है यस लेकिन लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी भी कर लीजिएगा बहुत ही बढ़िया ठीक है जी तो हम लोग मिलेंगे कल कल हम क्या करने वाले हैं जरा वो देख लो एक बार में मैंने आपको शेड्यूल बना के दिया था अब कल सुबह छह बजे हम ईबीआईटी बी और लीवरेज करेंगे सॉरी बजे तो कल हम ईबीआईटी बी और लीवरेज करने वाले हैं सुबह दस बजे ठीक है वो बहुत ही सिंपल है फिर तो कल वाला तो बहुत आसान जाने वाला है ईबीआईटी बी आई आ जाओ भाई तुम ऊपर तुम्हारा नंबर आ गया और एक हमारे पास आ गया लीवरेज तुम्हारा नंबर आ गया तो कल हम लोग करेंगे ई पी और लीवरेज और सुबह को और शाम को हम लोग करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर डिविडेंड डिसीजन और कैश मैनेजमेंट और पूरा एफएम कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर चार तारीख से पोस्टिंग का रिवीजन चालू होगा चार पांच छह सात में ये भी पूरा खत्म हो जाएगा फिर थ्योरी और थ्योरी वाले एमसीक्यू अपलोड कर देंगे हम फिर उसके बाद में एस अपलोड कर देंगे फिर आर अपलोड कर देंगे तो आरटीपी अगर आपने पहले से कर लिया है तो कोई बात ही नहीं है और एस तो बिल्कुल सिंपल है उसमें एक ही दिन लगेगा थियोरी कम एमसीक्यू बहुत छोटी छोटी सी वीडियो आएंगी उसमें खत्म हो जाएगा और आपका पैकअप हो जाएगा पूरी तरीके से हाँ जी तो हम लोग मिलते हैं फिर कल सुबह दस बजे और कल सुबह हम करेंगे ई टीपीएस और लीवरेज चैप्टर बहुत ही आसान है तो कल मजा आने वाला है बाकी ये सारे क्वेश्चन करके आइएगा ओके जी सभी को टाटा बाय बाय